हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई होप आप लोगों ने जो लास्ट 3 डेज में हमने किया है टॉपिक्स, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवीजन किया होगा। तो हम यहाँ आए हैं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जो टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे, सो वी हैव अर्लियर डिस्कस अबाउट मनी एंड बैंकिंग टॉपिक्स। हम लोगों ने मनी की बात कर लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल इनोवेशंस की बात कर लिया है। कल हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट भी काफी डिटेल्स में 2 घंटे डिस्कस किया था, सारे क्वेश्चन। तो आज डे है हमारा बैंकिंग सिस्टम। बैंक तो सबको कभी ना कभी जरूरत पड़ती ही है, जाना अकाउंट खोलना है, कुछ चेकबुक लाना है, किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, इन सबके लिए बैंकिंग की तो जरूरत सबको पड़ती ही पड़ती है। अब फिर से हम एक बार आपको जो शेड्यूल हम लोगों ने फॉलो किया है अभी तक, वो हम दिखा देते हैं। अगर किसी ने पहले उसको क्लिक नहीं कर पाया, उसकी पिक्चर स्नैप्स नहीं ले पाया है, तो वो अभी ले ले कि अब बस कल का दिन है जिसमें हम लास्ट वाला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। सो वी विल गो वन बाय वन, सो दिस इज डेडलाइन। सो वी आर हियर टू टॉक अबाउट मनी एंड बैंकिंग। अच्छा, तो मनी एंड बैंकिंग में हम क्या डिस्कस करेंगे और क्या किन चीजों पे बात हम करेंगे? तो मनी एंड बैंकिंग में जो हमारा फर्स्ट टू ब्रॉडर एरियाज हैं, बैंकिंग सिस्टम, जिसमें बैलेंस शीट क्या होता है, पोर्टफोलियो कैसे बैंक अपने मैनेज करता है, कितनी तरह की पोर्टफोलियो होती है बैंक की। और सेकेंड जो पार्ट है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है। उसमें दो बातें हम करेंगे, कहेंगे कि चेंजिंग रोल एंड स्ट्रक्चर, और सेकेंड जो होगा वो होगा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, कि क्या इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में कुछ रिफॉर्म हुआ है, कि जैसे ये आरबीआई जो शुरू हुआ हमारा 30s में, 1900, अब एग्जैक्ट डेट अभी मुझे नहीं आ, कुछ ऐसे ही 30s में शुरू हुआ, 1913, तो तब से ये सेम ही है, एक ही जैसा चल, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता। इंसान, नेचर, हर चीज चेंज होता है, और उसके साथ साथ रिक्वायरमेंट भी हमारी चेंज होती है ओवर द टाइम। चेंज तो जरूर हुआ होगा, दैट्स आई एम श्योर। जस्ट पुट, आप सबको कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी रहे, आपको इंटरेस्टिंग लगे, यू शुड बी एंगेज विद द क्लास, दैट्स द रीजन आई ट्राई टू यू नो कम अप विद सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच माइट यू लाइक। ओके, सो चलिए अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, बैंकिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन। एज वी डिस्कस व्हाई बैंक्स आर इंपॉर्टेंट टू द इफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन दिस यूनिट, दैट इज यूनिट 4, वी लुक मोर क्लोजली एट हाउ बैंक्स डू बिजनेस एंड हाउ दे अर्न प्रॉफिट। यानी पहले तो हम लोगों ने फंक्शनिंग वगैरह की बात किया है, शुरू के जो फाइनेंशियल सिस्टम था जिसमें हम सेकेंड यूनिट में, उसमें हम लोगों ने बात किया है। यहाँ हम ज्यादा डिटेल्स में बात करेंगे कि ये बैंक जो होते हैं ये अपने बिजनेस करते कैसे हैं और कैसे ये प्रॉफिट कमाते हैं। सेकेंड जो इसमें बात होगी इंट्रोडक्शन के लिए, वो है कि वी देन कंसीडर द प्रॉब्लम बैंक फेस इन मैनेजिंग रिस्क। और साथ में ऐसा नहीं कि सब यू नो इट्स रोजी वेडेड है कि यू नो एवरीथिंग इज गुड एंड गुडी गुडी, नो 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 नो, देयर इज लॉट ऑफ मैनेजमेंट रिस्क, फाइनेंशियल सेटबैक्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, वो सब ये सारे बैंक्स को झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उस रिस्क से को कैसे फेस करते हैं या ओवरकम कैसे आते हैं, उन बातों का भी हम आगे वाले सेक्शन में ध्यान रखेंगे। अब इसी को थोड़ा सा और इलाबोरेट मैं करती जाऊंगी, सो दैट आप लोगों को बहुत अच्छा। इन रिसेंट टाइम बैंक्स हैव फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कैन ऑफर सेवर्स एंड बोरोवर्स सिमिलर सर्विस लोअर रिस्क। अभी तो ये था कि पहले तो बस बैंक थे, अभी आजकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, और वो कहीं ना कहीं लोगों को, जो लोग बोरो करना चाहते हैं उनको, वो लोअर रिस्क पे पैसा देने को तैयार है। ये तो बैंक के लिए चैलेंज है ना, बिकॉज अब आपकी एक मोनोपोली थी, आप अकेले बिजनेस कर, जो भी प्रोमिनेंट इंडिया के अगर 10-12 बैंक मैं कर लूँ या टॉप 20 बैंक लूँ जो अच्छा बिजनेस, चाहे वो अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें ICICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC हो गया, IDBI हो गया, तो ये सारे बैंक जो है वो डिफरेंट फॉर्म का इनका काम है, लेकिन प्राइवेट में। अगर गवर्नमेंट का देखें, SBI यू नो फेथ उसका बहुत है, हो सकता है उसका टर्नओवर उतना ना हो, लेकिन लोगों में उसका फेथ बहुत है, पीपुल हैव यू नो कंज्यूमर हैज बिलीव इन SBI, आई बिलीव इन SBI।
ऐसे ही कुछ और भी उसमें जो ब्रांचेज हैं अदर्स, अगर आप देखें वो चाहे इंडियन ओवरसीज बैंक की उसमें मैं बात करूं, कैनरा बैंक की बात करूं, और जो पंजाब नेशनल हैज सम प्रॉब्लम, वो थोड़ा डिफॉल्ट हो गया, अदरवाइज इट वॉज ए गुड बैंक, तो वैसे ही जो 15-20 हमारे नेशनलाइज बैंक है उनमें से भी कुछ बैंक का काम अच्छा है एंड दे सर्व द सोसाइटी बेटर वे। तो ये तो कहा कि अब तो भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गया, उन्होंने कंपटीशन कर दिया, अब लोगों को, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है लोगों को बहुत इजीली पैसा देने के लिए तैयार है। आगे कह रहा है कि वी कंक्लूड दिस यूनिट बाय डिस्क्राइबिंग सम ऑफ द एक्टिविटीज बैंक हैव अडॉप्टेड इन रिस्पॉन्स टू कंपटीशन फ्रॉम द अदर फाइनेंशियल फर्म्स एंड बाय लुकिंग एट सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल पैनिक ऑन बैंक। कि ठीक है ये चैलेंज तो आया इनको, लेकिन इन्होंने इस कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए कुछ न्यू पॉलिसी एंड प्रोग्राम को अडॉप्ट किया ताकि दे कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये लास्ट कहीं ना कहीं जाते जाते मैं इसको कंक्लूड करूंगी, लेकिन उससे भी पहले हमारा जो कंक्लूजन होगा वो होगा वाई वी रेड्डी आर्टिकल ऑन इंडियन फाइनेंशियल इंडियन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। वाई भी जो रेड्डी थे वो आरबीआई के गवर्नर थे, उनका लास्ट में हम आर्टिकल आपको देंगे ताकि थोड़ा सा आप पढ़ के और आप इंगेज करके यू नो यू विल डू बेटर। सो लेट्स फोकस ऑन वन बाय वन। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक कमर्शियल बैंक्स एंड द बैंक बैलेंस शीट। ये क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो कि लोन पब्लिक में देते हैं और उनसे रिसीव भी करते हैं। हम इसको डिटेल्स में अगर आपको समझाएं, सो आप नेक्स्ट स्लाइड्स देखिए। ये स्लाइड है द बेसिक कमर्शियल बैंक होता क्या है। कह रहा है कि कमर्शियल बैंक इज ए बिजनेस, बैंक्स फिल ए मार्केट नीड फॉर प्रोवाइडिंग ए सर्विसेज एंड अर्न ए प्रॉफिट बाय चार्जिंग कंज्यूमर्स फॉर दैट सर्विसेज। कि बैंक, कमर्शियल बैंक जो है भाई वो बिजनेस है, कोई ऐसा नहीं है कि हम सोसाइटी के लिए काम करने, उनका अपना भी कुछ इंटरेस्ट है, दे वांट टू सर्व द सोसाइटी एट द सेम टाइम दे वांटेड टू मेक द प्रॉफिट। तो वो कहता है कि वो मार्केट में जो है एक नीड है सर्विसेज की, और सर्विस क्या है, बोरोइंग की सर्विस, किसी को चाहिए, किसी को डिपॉजिट करना है, उस सर्विस को वो कहीं ना कहीं कैटर करता है और उससे अपना दे चार्ज द कस्टमर एंड मेक द प्रॉफिट। नेक्स्ट उसमें की कह रहा है कि द की कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटीज आर टेकिंग इन डिपॉजिट फ्रॉम सेवर्स एंड मेकिंग लोन्स टू हाउस होल्ड्स एंड फर्म। वो क्या करता है, बैंक ऐसा तो है नहीं कि उसके पास खुद का पैसा है, वो हम ही लोगों से पैसा लेता, हम जो जाके पैसा जमा कर देंगे। हो सकता है कोई आदमी जो कि महाराष्ट्र में बॉम्बे या कहीं और बैठा हुआ होगा और मैंने अगर ले जाके अपने पैसे SBI में जमा कर दिया, उसको चाहिए, वो वहां से उसको लैंड करता है, तो मुझे तो इंटरेस्ट कम देता है, लेकिन जब वो बोरोअर से इंटरेस्ट हाई चार्ज करता है उससे फिर वो अपना प्रॉफिट बनाता है। टू अर्न ए प्रॉफिट ए बैंक नीड टू पे लेस फॉर द फंड इट रिसीव्ड फ्रॉम डिपॉजिटर्स देन इट अर्न ऑन द लोन इट मेक्स। वो जो मैंने कहा कि मुझे तो इंटरेस्ट रेट वो कम देगा, लेकिन जब वो अपना लोन देगा ना तो उसके चार्जेज आता, भी तो प्रॉफिट बनाएगा, दैट इज द मेक सेंस। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि वी बिगिन आवर डिस्कशन ऑफ द बिजनेस ऑफ बैंकिंग बाय लुकिंग एट ए बैंक सोर्स ऑफ फंड प्राइमरी डिपॉजिट एंड यूज्ड फंड प्राइमरीली। यानी दो तरह के फंड की बात करें, तो प्राइमरी डिपॉजिट क्या है, प्रिलिमिनरी डिपॉजिट्स क्या है, और यूज ऑफ फंड लोन्स ए बैंक प्राइमरी लोन्स ए बैंक सोर्स एंड यूज ऑफ फंड्स आर समराइज ऑन बैलेंस शीट। जो हम आगे अगर बात करें नेक्स्ट वाले की, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कह रहा है कि बैलेंस शीट होता क्या है। अच्छा, शुरू में भी कहा था कि हम स्टार्ट, क्योंकि हमें थोड़ा कमर्शियल बैंक को बताना था आप समझ लें, फिर हम बैलेंस शीट पे आना चाह रहे हैं। तो कह रहा था कि बैलेंस शीट होता क्या है, कह रहा है कि बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट दैट शो एन इंडिविजुअल आर फर्म्स फाइनेंस पोजीशन ऑन ए पर्टिकुलर डे। आप लोग भी जानते हैं हम लोग बैंक के स्टेटमेंट लेते जो है ना, कि जिसमें कितना हमने जमा किया, कहाँ कहाँ उसको यू नो डेबिट क्रेडिट कितना हुआ, कैसे हुआ, जो भी फाइनेंशियल हमारी डिटेल्स है वो। तो ये बैलेंस शीट वही है, जो आपका स्टेटमेंट है वो बैलेंस शीट है। नॉर्मली बैलेंस शीट शो द डॉलर्स वैल्यू फॉर ईच एंट्री फॉर ईच ऑफ इंटरप्रिटेशन वी हैव कन्वर्टेड डॉलर वैल्यू टू परसेंटेज। उसमें
यानी आप रख सकते हैं। मैं तो सीधा सीधा बताया कि बैंक स्टेटमेंट जो होता है, हम जो कि इंडियन रुपीज में डील करते हैं, तो हम इसको जब समझने की बात होगी तो इंडियन रुपीज में ही उसको हम समझेंगे। ओके फाइन, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट। कह रहे कि टिपिकल लेआउट ऑफ ए बैलेंस शीट विच इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर हम एक बैलेंस शीट का अकाउंटिंग की बात करें कि वो कैसे जज करता है, तो कह रहे कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये माइनस, अच्छा ठीक है, वो लाइबिलिटी तो माइनस में होगा ना, ठीक है हो सकता है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, फाइन। सो वी विल, छोटे छोटे अब कुछ कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट के, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो बाद में हम बहुत यूज करेंगे, उनके टर्म को जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इट विल बी डिफिकल्ट टू डील इन फाइनेंशियल मार्केट। कि अगर बैंकिंग सिस्टम आपको बहुत अच्छा से पता नहीं कि रेपो रेट क्या होता है, ये नहीं पता है कि यू नो रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू यू नो कोप अप विद द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू यू नो परफॉर्म in any of the financial institution if you are going to join you know in coming years and so. तो यहाँ पे हम छोटे छोटे बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताएंगे, उसी की स्लाइड्स है, फर्स्ट स्लाइड्स जो हमारे ओके। सो दिस इज द बेसिक कॉमर्शियल बैंकिंग के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम आपको सब, ये हमने बताया हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा रिपीट कर देती हूँ कि अगर किसी से मिस हो गया तो वो अभी पकड़ लेगा। करेक्ट, एसेट्स क्या है? एन एसेट इज समथिंग ऑफ वैल्यू दैट एन इंडिविजुअल और फर्म ओन्स। ये हमने बताया हुआ है, एसेट्स वही है जिसकी कोई वैल्यू है और उसको भाई फर्म या इंडिविजुअल हाउस होल्ड उसको ओन करता है। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी इज समथिंग दैट एन इंडिविजुअल और फर्म ओवे आर इन अदर वर्ड्स ए क्लेम ऑन इंडिविजुअल्स ऑफ फर्म। लाइबिलिटी वो है कि जो आपने कुछ लिया हुआ है, कुछ बोरो किया हुआ, जो आपको देना है वो उधार है आपका। लाइबिलिटी का मतलब उधार है, कोई ना कोई चीज आपको पे ऑफ करनी है, वो लाइबिलिटी। एसेट जो होता है वो पॉजिटिव होगा, कुछ आपने बिल्ड किया है, चाहे वो घर बनाया हो, समथिंग यू हैव, इट इज द पॉजिटिव क्रेडिट। लाइबिलिटी जो है वो डेबिट है, एक तरह से लाइबिलिटी जो आपकी डेबिट है वो जानी है, और एसेट जो है वो क्रेडिट में आप है। अगला कुछ टॉपिक्स देख ले, हम कह रहा है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फर्म एसेट्स एंड वैल्यू ऑफ इट्स लाइबिलिटी। कि शेयर होल्डर की इक्विटी क्या है भाई, वो कह रहे कि डिफरेंस है वैल्यू ऑफ फर्म जो एसेट्स है और उसकी लाइबिलिटी का जो डिफरेंस है वही इक्विटी है, शेयर इक्विटी है। अच्छा आगे इसको एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, बता रही हूं मैं कि शेयर होल्डर्स इक्विटी रिप्रेजेंट्स द डॉलर अमाउंट द ओनर्स ऑफ द फर्म वुड बी लेफ्ट विद इफ द फर्म वेयर टू बी क्लोज। कह रहा है कि अगर शेयर होल्डर इक्विटी रिप्रेजेंट करता है कि लेट सपोज किसी कारण से, आपने सत्यम कंप्यूटर का सुना होगा, या अभी मैं एग्जांपल दूं, अगर बहुत रिसेंट का है, देयर वाज ए वन पर्सन फ्रॉम ही वाज हैविंग द प्लेन किंगफिशर, आपने देखा होगा, तो उसमें इस केस में क्या होता है कि इनका शेयर होल्डर इक्विटी जो है फिर गवर्नमेंट उसको बेच के, अब ये तो निकल जाते हैं कंट्री से, बाहर चले जाते हैं, तो गवर्नमेंट जो भी इनके एसेट्स वगैरह है उनको देख के फिर उससे अपना रिकवर करने की, बैंक को कहती है कि आप रिकवर करने की कोशिश करिए। सो यू नो इट्स एसेट सोल्ड एंड लाइबिलिटी पेड ऑफ। कि अगर ऐसा कभी कुछ हो जाए, जैसे हमने किंग फिशर के विजय माल्या की अगर आप बात करें, कि उनका अभी तो यही हुआ कि जितनी उन्होंने कार रखी है, जो उनके रिजॉर्ट हैं और सारी चीजें, उससे वो इक्वल नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट यू विल बी नॉट यू नो योर ऑल मनी इज नॉट गॉन, एटलीस्ट यू हैव सेव्ड समथिंग, उससे यही होता है। अच्छा नेक्स्ट हम कहना आप लोगों को चाह रहे हैं कि फॉर ए पब्लिक फर्म द ओनर्स आर द शेयर होल्डर्स। कि पब्लिक फर्म में जो ओनर होता है ना वो शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर्स इक्विटी इज आल्सो रेफर्ड एज अ फर्म नेटवर्थ। कि शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है वो फर्म की नेटवर्थ भी समझी जाती है। अच्छा व्हाट इज द बैंक कैपिटल? बैंक का पैसा है तो उसमें कैपिटल की क्या जरूरत है? नो, दिस इज डिफरेंट टर्म, लेट्स सी। इन बैंकिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी इज यूजुअली कॉल्ड बैंक कैपिटल। कि जो शेयर होल्डर की इक्विटी है, जो डिफरेंस है लाइबिलिटी और एसेट्स में, वो जो उसकी इक्विटी है, पॉजिटिव सरप्लस है, उसको कहते हैं बैंक कैपिटल। यानी बैंक के पास कुछ सरप्लस है। बैंक कैपिटल इज फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स थ्रू देयर परचेजेस ऑफ द बैंक्स स्टॉक प्लस द बैंक एक्युमुलेटेड।
रिटेन प्रॉफिट, ये सीधी सीधी लाइन है, इसमें मुझे कुछ अब एक्सप्लेन करनी, जहां मुझे लगता है कि यू नो आई नीड टू एक्सप्लेन यू, देर आई डू, देर आई डू, देर आई विल डू. थोड़ा सा आज लैपटॉप स्लो है. बैंक लाइबिलिटीज क्या होती है, देखिए वो बात हमने अभी बता दिया, कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक लाइबिलिटीज आर द फंड्स ए बैंक एक्वायर फ्रॉम द सेवर, कि वो अगर किसी को लोन देता है तो कुछ ना कुछ वो फंड एक्वायर करता है, वही उसकी लाइबिलिटी. द बैंक यूज द फंड टू मेक इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट आर लोन टू बोरोज बोरोवर्स. बैंक ऑफर ए वेराइटी ऑफ डिपोजिट अकाउंट बिकॉज सेवर्स हैव डिफरेंट नीड. बैंक डिपॉजिट ऑफर हाउसहोल्ड एंड फॉर्म सर्टेन एडवांटेज ओवर द वे इन विच दे कैन माइट होल्ड देयर फंड्स, कि भाई बैंक जो होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेविंग आते रहते हैं स्कीम की, ये करिए वो करिए, यू नो यू पीपल आर, आप लोग तो थोड़ा दिल्ली एनसीआर में है तो आई डोंट नीड टू टीच यू दिस थिंग, आप बैंक भी जाते हैं, आप देखते भी हैं. सो वो लाइबिलिटी जो बैंक की होती है वो यही होती है कि वो जो फंड रखता है, जो रिजर्व अपने पास किसी को देने से पहले, वो उसकी लाइबिलिटी है. अच्छा, इसी को आगे हम थोड़ा सा एग्जांपल्स वगैरह से समझा दें आप लोगों को. कंपेयर्ड विथ होल्डिंग कैश, डिपॉजिट्स ऑफर ग्रेटर सेफ्टी अगेंस्ट थेफ्ट एंड मे आल्सो पे इंटरेस्ट. कोई जमा क्यों करता है पैसे बैंक में ले जाके, इसीलिए करता है कि घर में या कहीं रखा है कोई चुरा ले जाए, कुछ ले जाए, और साथ में पैसा, भाई अगर आपने 10,000 आज रख दिया तो ऐसा नहीं कि वो दो महीने बाद 12,000 हो जाए, वो 10,000 है, लेकिन बैंक में वो हो सकता है. बैंक में अगर 2% का भी इंटरेस्ट देता है, 10,000 आपने डाला है तो 2% कितना हुआ आपका, 100-200, तो 3 मंथ के बाद तो उसमें कुछ ऐड ही हो जाएगा ना, तो वहां होगा, इसलिए हम जमा करते हैं. कंपेयर्ड विथ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज ट्रेजरी बिल, डिपॉजिट्स आर मोर लिक्विड. हाँ वो तो सही है, डिपॉजिट्स आर मोर, यानी जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं. डिपॉजिट्स अगेंस्ट विच चेक कैन बी रिटन ऑफ, ए कन्वीनियंट वे टू मेक द पेमेंट, तो सबको पता है. वी नेक्स्ट रिव्यू द मेन टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, ठीक है, फाइन. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो च्वाइसेस, पोर्टफोलियो की क्या क्या च्वाइसेस हो सकती हैं. कह रहा है दी डिटर्मिनेंट पोर्टफोलियो च्वाइसेस रेफर एज ए डिटर्मिनेंट एसेट्स डिमांड. Little bit. Give me a second. Okay, fine. I will tell you, but not so sure. These determinants portfolio choices sometimes refer as a demand are the saver wealth are यानी जो saving करता है उसका wealth हो या total amount of saving to be allocated among the investors. Second जो है वो the expected rate of return from the investment compare with the expected rate of return on the other investment. वो कहीं ना कहीं compare करता है दोनों चीजों को. डिग्री ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टमेंट कंपेयर विद डिग्री ऑफ रिस्क इन अदर इन्वेस्टमेंट. आई थिंक ये कल का है थोड़ा सा, आई थिंक सो. हाउ आई हैव टेकन दिस, नो दिस इज नॉट, नो 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 दिस इज नॉट, वी डोंट नीड दिस. अच्छा ठीक है, ये चेक कवर डिपॉजिट देखिए, वो कुछ थोड़ा सा आप बनाते टाइम इतना प्रेशर में होती हूँ, सो मे बी आई हैव मेड सम स्मॉल मिस्टेक्स बट नॉट बिग थिंग एनीथिंग, जस्ट आई हैवंट रिलेटेड सम ऑफ द थिंग्स विच आई वुड हैव बीन डन दैट. कह रहा है कि व्हाट इज अ चेकेबल डिपॉजिट, क्या होता है. कह रहा है बैंक्स ऑफर्स सेवर्स चेकेबल डिपॉजिट्स विच आर अकाउंट अगेंस्ट विथ डिपॉजिट कैन बी रिटन चेक, यानी कोई वो यही है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जब कोई चीजें आप रखते हैं ताकि जब चाहे आप उसको निकाल सकते हैं ट्रांजेक्ट करते हैं. चेकेबल डिपॉजिट आर आल्सो कॉल्ड द ट्रांजेक्शन डिपॉजिट, कि जब चाहे आप उसको ट्रांजेक्ट कर सकते हैं. चेकेबल डिपॉजिट कम इन मेनी वेराइटीज विच आर डिटरमाइंड पार्शली बाई बैंकिंग रेगुलेशन एंड पार्शली बाई डिजायर ऑफ बैंक मैनेजर टू टेलर द चेकिंग अकाउंट दे ऑफर टू मीट द नीड्स ऑफ द हाउस होल्ड. कि भाई जो चेकेबल डिपॉजिट है उसके बहुत वैरायटी होते हैं, कुछ तो डिटरमाइन करते हैं कि यू नो मैनेजर जो है टेलर है उसका क्या है, किस तरह की चीजों को ऑफर करता है, हाउस होल्ड जो है उनकी किस तरह की नीड है, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखा जाता है. डिमांड डिपॉजिट एंड नाउ अकाउंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ चेकेबल डिपॉजिट्स, वो बता रहा है. कह रहा है डिमांड डिपॉजिट आर चेकेबल डिपॉजिट ऑन विच बैंक डू नॉट पे इंटरेस्ट, कि वो जो करंट अकाउंट की बात इंडिया में हम लोग करते हैं वही चीज यहाँ पे ये बता रहा है. चलिए जो नेक्स्ट अप सेट ऑफ
टॉपिक्स चेकेबल बैंक्स मस्ट पे ऑल चेकेबल डिपॉजिट्स ऑन डिमांड। हाँ देखिए, बैंक का सबसे बड़ा है कि अगर आपने चेकेबल सेविंग अकाउंट में करंट अकाउंट, तो जब आप चाहे आप पैसे निकाल सकते हैं, बैंक आपको मना नहीं करेगा कि आप आज नहीं निकाल सकते हैं, कल आए आप जब चाहे। तो उतना उनको रिजर्व अपने पास रखना होता है जितना कि उनके अकाउंट, जो भी उनका बैंकिंग सिस्टम है, जो उनके करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में होगा, उतना उनके पास पैसा होता है बैंकों के पास। कह रहा है कि फाइनली नोट द चेकेबल डिपॉजिट्स आर लाइबिलिटी टू बैंक्स बिकॉज बैंक्स हैव द ऑब्लिगेशन टू पे द फंड्स टू डिपॉजिटर्स ऑन डिमांड। जब भी वो मांगे तब उनको देना पड़ेगा, जो पहले भी मैंने बोला। बट चेकेबल डिपॉजिट्स आर एसेट्स टू हाउस होल्ड एंड फर्म्स बिकॉज इवन दो बैंक्स हैव फिजिकल पोजिशन ऑफ द फंड, हाउस होल्ड एंड फर्म स्टिल ओन द फंड्स। कि भले ही वो पैसे हमारे बैंक के पास है, बट पैसे तो जिसने जिसके हैं उसी के हैं ना, बैंक थोड़े उसको खर्चा कर सकते, नहीं खर्चा कर सकता। खर्चा तो फर्म करेगी, हाउस होल्ड करेगा, या जो उसका ओनर है वो करेगा। फाइन, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एन अकाउंटिंग साइड। ऑल्दो द फर्स्ट इट मे सीम्स ऑड, इट इज इंपॉर्टेंट टू ग्रास्प द आइडिया दैट द सेम चेकिंग अकाउंट कैन साइमल्टेनियसली बी एन एसेट्स टू ए हाउस होल्डर फर्म एंड लाइबिलिटी टू द बैंक। कि वो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि देखिए, जो हमारा करंट डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है, वो कहीं ना कहीं फॉर्म और इंडिविजुअल्स के लिए तो वो एसेट्स है, बट बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है। इसीलिए देखिए, बैंक कहता है कि आप अपने अकाउंट में इतने पैसे रखिए, कुछ तो वो करे ना, कि आपको ये नहीं पूरा का पूरा। अब तो प्राइवेट बैंक है जो जिन्होंने इंडिया में कह दिया कि 10,000 तो आपको रखना ही रखना है, यू हैव टू मेंटेन अदरवाइज दे विल चार्ज, वो फी लगा देते हैं। फिर उसका उनका यही है कि एटलीस्ट देर आर सम ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी इज सॉरी चेकिंग अकाउंट। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट विल हेल्प यू टू डू बेटर फॉलो सम। वो है कि हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि हम जो आने वाला डिस्कशन है उसमें बेटर कर पाए। अच्छा, एक और की कॉन्सेप्ट है, नॉन ट्रांजेक्शन डिपॉजिट। क्या होता है भाई? एक तो ट्रांजेक्शन, एक नॉन, यानी जिसको आप ट्रांसफर ना कर पाए। देखिए अब इसमें कि सेवर्स यूज ओनली सम ऑफ देयर डिपॉजिट्स फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन। बैंक्स ऑफर नॉन ट्रांजेक्शन डिपॉजिट्स फॉर द सेवर्स हु आर विलिंग टू सेक्रीफाइस इमीडिएट एक्सेस टू देयर फंड्स इन एक्सचेंज फॉर हायर इंटरेस्ट रेट पेमेंट। वो फिक्स डिपॉजिट की मैं आपको सीधे बात कर दूंगी कि आप उसको बीच में तोड़ सकते हैं। यू कैन यू नो यू कैन कैश योर फिक्स डिपॉजिट, बट इंटरेस्ट रेट विल बी वेरी लो, रिटर्न इज नॉट हाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉन ट्रांजेक्शन डिपॉजिट आर सेविंग अकाउंट, ओके, मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट आर सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट। ओके ओके, सो दीज आर द नॉन डिपॉजिट्स, यू नो, डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम विच यू कैन थिंक ऑफ। विथ सेविंग अकाउंट विच एट वन टाइम वेयर जनरली कॉल्ड पासबुक अकाउंट, डिपॉजिटर्स मस्ट गिव द बैंक 30 days नोटिस फॉर अ विड्रॉवल। In practice, the bank usually waive this requirement, so most depositors expect to receive immediate. अच्छा, देखिए ये भी एक नई चीज आप लोगों को पता चल रही है कि सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं है कि आपने 50 lakh रखा है तो अभी जाके निकाल लेंगे, नहीं, वो 30 days का नोटिस है, बैंक के पास होता है तो वो दे देता है, कहता नहीं है। लेकिन अगर आप रूल एंड रेगुलेशन की बात करें तो ये चीजें प्रोविजन में है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नॉन ट्रांजेक्शन, उसी का कंडीकर है कि MMDAR हाइब्रिड ऑफ सेविंग अकाउंट एंड चेकिंग अकाउंट। इन दैट दे पे इंटरेस्ट, बट डिपॉजिटर्स कैन राइट ओनली 3 checks पर मंथ अगेंस्ट देम। ओके, MMDA क्या है अभी आपको बताए हैं। कह रहा है कि मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट, इसमें क्या है, कह रहा है कि ये हाइब्रिड है, और हाइब्रिड ये किसका किसका है, एक सेविंग अकाउंट का है और साथ में आपका सेविंग चेकिंग बैंक अकाउंट दोनों का है। और इसके केस में आप ओनली 3 times चेक लिख सकते हैं महीने में, ऐसा नहीं कि जितनी मर्जी उतनी लिख दिया। अनलाइक सेविंग डिपॉजिट, CDs है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट हैव स्पेसिफाइड मैच्योरिटी दैट टिपिकली रेंज फ्रॉम ए फ्यू मंथ्स टू सेवरल इयर्स, जिसको यहाँ इंडिया में हम लोग कहते हैं RD, रिकरिंग डिपॉजिट। वो भी नहीं, वो तो मंथली होता है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट वही होगा। कुछ आते हैं गवर्नमेंट के भी नोटिफिकेशन जो हम लोग ले लेते हैं। बैंक पेनलाइज सेवर्स हु विड्रॉ फंड्स प्रायर टू मैच्योरिटी बाय रिक्वायरिंग द सेवर्स टू
forfeit part of accrued interest, accrued interest. CDs are less liquid than the saving account, but pay deposits a higher interest rate. कि ऐसा तो है कि certificate deposit जो है वो less liquid है, लेकिन उसमें interest rate ज़्यादा मिलता है. चलिए अब next जो बात है कि what is the federal deposit insurance या RBI का insurance क्या है, federal deposit insurance क्या है? कह रहा है कि household with limited fund to save often prefer to keep their funds in checkable deposit and small denomination time deposit because these deposits are covered by federal deposit insurance which provide government guarantee for account balance up to this. ये है कि government एक provision की हुई है कि चाहे तो आप इतना amount जो है वो आप checkable account में अपने रख सकते हैं. Next कह रहा है कि despite insurance given bank and AAs over other financial intermediary in acquiring funds from small saver because for instance money मार्केट म्यूचुअल एंड शेयर सेलेक्ट देयर फेडरल गारंटी. अब ये हमने सीधे सीधे पढ़ दिया, आप लोगों को समझ में आ गया. जहां मुझे लगता है कि नहीं नहीं समझ में आएगा तो आई एक्सप्लेन. कह रहा है कि व्हाट इज द बोरोइंग, बोरोइंग क्या होता है भाई? बोरोइंग बैंक बोरोइंग्स बैंक ऑफन हैव अ मोर अपॉर्चुनिटी टू मेक लोन्स देन दे कैन फाइनेंस विथ फंड्स दे अट्रैक्ट फ्रॉम डिपॉजिटर्स. कह रहा है कि बैंक ऑफन जो है मोर अपॉर्चुनिटी टू मेक लोन्स then they can finance it. Okay, to take advantage of these opportunities banks raise funds by borrowing. वो borrow करते हैं खुद भी. A bank can earn a profit from this borrowing if the interest rate it pays to borrow fund is lower than the interest it earns from lending. कि वो ये काम तब करेगा bank, borrow करना money market से या और लोगों से करना शुरू कर देगा अगर उसको लगता है कि जो इंटरेस्ट पे वो ले रहा है और जो उस पे वो लैंड कर रहा है तो लैंड सरप्लस है कंपेयर टू बोरोइंग इंटरेस्ट, तो तब ऐसा वो इस चीज को प्रैक्टिस में लाएगा. इसी का कुछ नेक्स्ट पार्ट आप देखिए. कह रहा है बोरोइंग कंटिन्यूज में, बोरोइंग इंक्लूड शॉर्ट टर्म लोन्स इन फेडरल फंड मार्केट, लोन फ्रॉम ए बैंक फॉरन ब्रांचेज और अदर सब्सिडी एफिलेटेड रिप्रेजेंट एग्रीमेंट एंड डिस्काउंट लोन फ्रॉम फेडरल रिजर्व सिस्टम, जो हमारा RBI है एक्चुअली. कह रहे हैं वॉट इज द फेडरल फंड क्या होता है? द फेडरल फंड मार्केट इज द मार्केट इन विच बैंक मेक शॉर्ट टर्म लोन ऑफन जस्ट ओवर नाइट टू द अदर बैंक. अच्छा, कि एक बैंक दूसरे बैंक को अगर लोन दे बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको फेडरल फंड कहते हैं. Although the same indicate that the government money is involved, in fact the loan in the federal fund market involve the bank's own funds. ऐसा है कि लोगों को लगता है कि government का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. कुछ बहुत सारी जगहों पे banks का अपना fund भी होता है. What is the federal fund rate क्या है? कह रहा है the interest rate on these interbank loan is collected called the federal fund rate. कि ये जो आपस में लेन देन banks करते हैं उसको हम कहते हैं फेडरल फंड रेट. कि आपस में जो बोरोइंग करते हैं लैंडिंग करते हैं उसका जो रेट है उसको फेडरल फंड रेट कहते हैं. ओके, नेक्स्ट जो अब हमारा है कि व्हाट इज द रीपर्चेज एग्रीमेंट. कि रीपर्चेज का मतलब जानते हैं, कोई चीज को दोबारा से खरीदना. एग्रीमेंट मीन्स वी बोथ agree to the point किसी चीज के लिए. With repurchase agreement, otherwise known as a repo, ये repo में पहले भी बताई थी. Bank sell securities such as treasury bill and agree to purchase them typically the next day. Bank use repos to borrow fund from business firm or other banking using the underlying security as a collateral. ये भी repo rate India में जो होता है वो RBI से जब आप पैसा लेते हैं, RBI जब आपको पैसा देती है तो repo rate पे देती है, interest rate नहीं, उसको repo rate बोलते हैं. कह रहा है कि कॉर्पोरेशन और अदर बैंक्स दैट बाय द सिक्योरिटी अर्न इंटरेस्ट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लिक्विडिटी. ये अच्छी चीज है. रेपो आर टिपिकली बिटवीन लार्ज बैंक्स आर कॉर्पोरेशन सो दैट द डिग्री ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क आर रिस्क दैट द अदर पार्टी टू द ट्रांजेक्शन डिफॉल्ट इज ऑब्लिगेशन हैड बीन कंसिडर्ड वी स्मॉल. क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन रेपो रेट के रूप में होता है इसमें रिस्क ज्यादा नहीं होता है. होलसेल इनका कहने का मतलब यही है. कह रहा है बट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस इट्स बिकम क्लियर दैट इवन द लार्ज फर्म्स माइट बी क्विकली फोर्स इनटू बैंक करप्सी लीविंग द काउंटर पार्टीज टू इट्स रेपो टू सफर सिग्निफिकेंट.
ये से तो मानते हैं कि भाई इनका रिस्क कम है, लेकिन जब फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आती है तो बड़े बड़े बैंक, जो लेमन ब्रदर्स का जो 2007 से 9 में हुआ, तो वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतने स्ट्रॉन्ग इतना बैंक है, वेल रेपुटेड है, इतने साल से चल रहा है, तो ऐसा कुछ. बट दिस इज द लाइक दिस कैन हैपन. यू कांट से कि इट विल नेवर एग्जिस्ट, इट विल एग्जिस्ट सम टाइम. नेक्स्ट जो है वो क्या है, कह रहा है कि बैंक एसेट्स क्या होता है. कह रहा है कि बैंक एसेट्स आर रिक्वायर्ड बाय बैंक्स विद द फंड्स दे रिसीव फ्रॉम डिपॉजिटर्स, विद फंड्स दे बोरो, विद फंड्स दे एक्वायर्ड इनिशियली फ्रॉम देयर शेयर होल्डर्स एंड विद द प्रॉफिटेबिलिटी दे रिटेन फ्रॉम देयर ऑपरेशन. बैंक एसेट्स आर रिक्वायर्ड बाय बैंक्स विद द फंड्स दे रिसीव. डिपॉजिटर्स से जो पैसा उनको मिलता है ना, उससे वो जो फंड है उसी फंड को हम बैंक का एसेट्स कहते हैं. A bank manager build a portfolio of assets that reflect both the demand for loan by the bank customers and the bank need to balance return against risk, liquidity and information cost. अच्छा, ये सारे हम आगे डिस्कस करेंगे कि बैंक जो बैंक अगर आप पोर्टफोलियो देख लें तो उसे पता चल जाता है कि बैंक का जो लोन का डिमांड कितना मार्केट में है, लिक्विडिटी क्या है, रिस्क कितना है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है. अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब रिजर्व्स एंड अदर कैश एसेट्स. ये छोटे छोटे टॉपिक्स हम अभी जितना भी आप लोगों को बता रहे हैं वो हम बिल्ड कर रहे हैं बेसिक इंफॉर्मेशन, सो दैट वंस वी विल टॉक अबाउट रिफॉर्म एंड अदर थिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्विकली. आई डोंट हैव टू गोइंग टू एन अगेन एक्सप्लेन यू, तो आप लोगों को मुझे दोबारा नहीं समझाना पड़ेगा. रिजर्व्स एंड अदर कैश एसेट्स. रिजर्व्स एंड अदर कैश एसेट्स द मोस्ट लिक्विड एसेट्स दैट बैंक्स होल्ड इज रिजर्व्स विच कंसिस्ट द वॉलेट कैश, कैश ऑन बैंक इन बैंक आर इन डिपॉजिट आर अदर बैंक. डिपॉजिट बैंक्स हैव देयर ओन फेडरल सिस्टम. कि भाई कैश एसेट्स वो है कि जो उसकी कैश में है, साथ में एटीएम और जगहों पे पड़ा हुआ है. एज ऑथराइज बाय कांग्रेस द फेड मैंडेट दैट द बैंक्स होल्ड ए परसेंटेज ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट एंड नाउ अकाउंट एज रिक्वायर्ड रिजर्व. देखिए ये बैंक भी ना आरबीआई जो है बैंकों को कुछ रिजर्व रखने के लिए उसका रेगुलेशन है कि इतना रिजर्व आप रखेंगे ही, तो उतना हर बैंक अपना रिजर्व रखता है, उसको कहते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व. रिजर्व दैट बैंक्स होल्ड ओवर एंड अबव दोज दैट आर रिक्वायर्ड आर आल्सो एक्सेस रिजर्व. बैंक्स हैड लॉन्ग कंप्लेंट दैट द फेड फेल्योर टू पे इंटरेस्ट ऑन द बैंक रिजर्व डिपॉजिट अमाउंट विद टैक्स बिकॉज एटलीस्ट विथ रिस्पेक्ट टू required reserve banks are no interest on the fund they could otherwise have used to make the loan or purchasing security. ab bank ne rbi ne to logon se keh diya kitna aap reserve rakhiye, lekin us pe kuch deta hota nahi hai, us pe kuch koi interest nahi kuch nahi, to kehte hain ki bhai hamara to loss kar diya ki aapne itna bada amount to security ke roop mein rakhwa diya reserve ke roop mein, but usse hame na usko hum land kar sakte hain na kuch hai, koi fayda to hai nahi. so they complain about it, that's they are trying to. What is the uncontrolled fund? Uncollected fund. What is the uncollected fund? Another important cash assets is claim bank have on their other bank for collected fund, which is the called cash item in the process of collection. कि कोई भी आपका cash हो जो आपका process में हो collect करने वाले हैं उसको collect fund कहते हैं. बहुत ही easy है, no need of further explanation. Correspondent banking क्या होती है? कोरेस्पॉन्डेंस तो पता है ना, चिट्ठी पत्री करना, उसको कोरेस्पॉन्डेंस कहते हैं. कह रहा है कि स्मॉल बैंक्स ऑफन मेंटेन डिपॉजिट एट अदर बैंक टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, कलेक्ट चेक कलेक्शन और अदर सर्विसेज. ऐसा नहीं कि सब बैंक के पास रिजर्व होता है, कुछ छोटे छोटे बैंक भी होते हैं. अब छोटे बैंक में मैं आपको बताऊं, जैसे ग्रामीण बैंक है, तो ग्रामीण बैंक का एक उन लोगों का यूनियन है, अभी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, तो उनके पास होता है सारा रिजर्व वगैरह, उनके पास कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता है, चेक कलेक्शन वो सारा टाई अप उनका है. दिस फंक्शन कॉल्ड द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग. अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंस किस सेंस में है? कि आपने तो अपने पास तो नहीं है, बट किसी और के पास आप कॉरेस्पॉन्डेंस आपने किया हुआ है. Has diminished in importance over the past 50 years as the financial system has provided small bank with other way to obtain these services. पहले ये सर्विसेज स्मॉल बैंक को नहीं मिल सकती थी, लेकिन अब चूंकि फाइनेंशियल सिस्टम बेटर ऑफ हो गया है तो चेंज हो गई ये चीजें, एक जैसी नहीं है. ये थोड़ा हम डिस्कस करेंगे जब हम इंडिया का फाइनेंशियल रिफॉर्म वगैरह सेक्शन जब देखेंगे.
तब, ठीक है। व्हाट इज द सिक्योरिटी, कह रहा है मार्केटेबल सिक्योरिटी आर लिक्विड एसेट्स दैट बैंक्स ट्रेड इन फाइनेंशियल मार्केट, वही सिक्योरिटी है। बैंक्स आर अलाउड टू होल्ड सिक्योरिटी इशू बाय यूएस ट्रेजरी एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दैट रिसीव इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग व्हेन दे वर फर्स्ट इशूड एंड सम लिमिटेड अमाउंट ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड विच आर बॉन्ड इशूड बाय द स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। कि ये सिक्योरिटी जो बॉन्ड्स होते हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है और उसकी एक ग्रेडिंग भी होती है, और ये बॉन्ड जो होते हैं फेड के तो होते ही है, साथ में स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के भी होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर लिक्विडिटी बैंक्स होल्डिंग ऑफ यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटी आर समटाइम कॉल्ड सेकेंडरी रिजर्व। अच्छा, ये अच्छा टर्म है, ये अच्छा टर्म है। अच्छा, लोन्स क्या होते हैं भाई? अभी कुछ छोटे 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 टॉपिक्स है, थोड़ा ये चलेगा, 15 स्लाइड्स तो कम से कम होंगी, टोटल आपकी 77 स्लाइड्स हैं, तो 75 आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए, तो ये अभी 15 स्लाइड्स चलेगा। व्हाट इज द लोन, कह रहा है लार्ज कैटेगरी ऑफ बैंक एसेट्स इज लोन। लोन्स आर इलिक्विड रिलेटिव टू मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड इंटेल ग्रेटर डिफॉल्ट रिस्क एंड हायर इंफॉर्मेशन कॉस्ट, एज ए रिजल्ट द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स आर हायर देन। तो ये भी देखिए, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इतना जो लोन पे, पर्सनल लोन पे इतना हाई क्यों रखते हैं, कह रहा है कि तो डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं, और दूसरा वो बता रहा है कि जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो बहुत कॉस्टली है इनकी। कह रहा है कि द मोस्ट बैंक लोन फॉल इनटू थ्री कैटेगरी, जो मोस्ट बैंक के लोन होते हैं तीन कैटेगरी के होते हैं, लोन टू बिजनेस कॉल्ड कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल RCNI लोन, कंज्यूमर्स लोन मेड टू हाउस होल्ड प्राइमरी टू बाय ऑटोमोबाइल फर्नीचर अदर गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा रियल इस्टेट लोन है। तीन ही तरह का होता है, लोन फॉर बिजनेस जो कमर्शियल पर्पज के लिए लेते हैं, कंज्यूमर्स लोन है जो हाउस होल्ड की चीजें आप खरीदते हैं, तीसरा है रियल इस्टेट लोन विच इंक्लूड मॉर्गेज लोन एंड अदर लोन्स बैक विद द रियल इस्टेट एज ए कोलेट्रल। तो ये तीन तरह की अच्छी इंफॉर्मेशन है। मॉर्गेज लोन्स मेड टू परचेज होम्स आर कॉल्ड रेसिडेंशियल मॉर्गेज, while mortgages made to purchase store, offices, factory and other commercial building are called commercial mortgage। यानी दो तरह का मॉर्गेज होता है, एक तो हाउसिंग के लिए होता है, दूसरा कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्सेज हैं बनते हैं उनको खरीदने के लिए। तो जो रेसिडेंशियल के लिए होता है रेसिडेंशियल मॉर्गेज होता है, जो ऑफिस और तरह की चीज बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं आप खरीदते हैं उसको कहते हैं कॉमर्शियल मॉर्गेज। ओके, वॉट आर द अदर एसेट्स आर देयर, कह रहा है कि अदर एसेट्स इंक्लूड बैंक्स फिजिकल एसेट्स सच एज कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, ये तो सीधा सीधा है। द कैटेगरी आल्सो इंक्लूड कोलेट्रल रिसीव्ड फ्रॉम बोरोवर्स हु हैज डिफॉल्ट ऑन लोन, कुछ उन्होंने सिक्योरिटी जो दी होगी। फॉलोइंग द बर्स्टिंग ऑफ द हाउसिंग बबल्स मेनी बैंक्स एंड अप ओनिंग सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हाउसेज एंड रेजिडेंशियल लॉट एज ए बोरोवर्स एंड डेवलपर्स डिफॉल्ट ऑन देयर मॉर्गेज। ये बता रहा है पर्टिकुलरली यूएस की बात कर रहा है कि जब 2007 से 9 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो वो स्टार्ट ही हुई थी हाउसिंग बबल से, कि इन्होंने क्या किया कि इतने लोन दे दिए बहुत ही कम रेट पे विदाउट प्रॉपर चेकिंग एंड कीपिंग द कोलेटरल, कुछ ना कुछ आप जिस पे लोन देते हैं कुछ नहीं रखा और लोगों को लोन दे दिया और लोग डिफॉल्ट हो गए, उसको पे ऑफ नहीं कर पाए। सो और उस केस में क्या हुआ कि बैंक्स के पास बहुत सारे जो हाउसिंग सोसाइटीज थी, रेसिडेंशियल लॉट थे, वो बहुत आ गए क्योंकि डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक ने फिर उसको ले लिया और सोचा कि हम इससे इसको रिकवर करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है द बेसिक ऑपरेशन ऑफ की, अभी तक तो हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कमर्शियल बैंक क्या होता है उसको समझ लिए, अब थोड़ा सा इसका ऑपरेशन क्या है, कॉमर्शियल बैंक का एक्चुअली ऑपरेशन क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कह रहे द बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक, इन दिस सेक्शन वी लुक एट हाउ बैंक्स अर्न ए प्रॉफिट बाई मैचिंग सेवर एंड बोरोवर्स, की और प्रॉफिट कैसे अर्न कर लेता है। व्हेन अ डिपॉजिटर पुट्स मनी इन अ चेकेबल अकाउंट एंड द बैंक यूज द मनी टू फाइनेंस ए लोन, द बैंक हैज ट्रांसफर्ड ए फाइनेंस एसेट्स फॉर ए सेवर इनटू ए लाइबिलिटी लोन फॉर ए बोरोवर्स। ऐसा नहीं कि पैसे जो हम ले जाके 10,000 बैंक में जमा करके आते हैं तो लेके बैठा रहता, नहीं नहीं वो उसको लोन दे देता है, किसी और को बोरोवर्स को दे देगा वो। Like other businesses, in order to grow, a bank take inputs, add value to them, and deliver output. कि वो जो भी पैसा आप देते हैं उसकी value थोड़ी add करता है
और फिर उसको डिलीवर करता है. आई एम सॉरी. अच्छा, इसके और भी थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप भी समझ लीजिए. टू एनालाइज फर्दर द बेसिक्स ऑफ बैंक्स ऑपरेशन, वी विल वर्क विद ए सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट. दैट सो ओनली द चेंजेस इन द बैलेंस शीट फ्रॉम ईच ट्रांजेक्शन. क्या हम सिंप्लीफाइड मोर थोड़ा सा इजी वे में करने के लिए कि हम बैलेंस शीट वाले ट्रांजेक्शन की बात करेंगे. व्हाट इज द टी अकाउंट? देखिए बड़ा अच्छा चीज है. कह रहा कि इन पर्टिकुलर वी विल यूज एन अकाउंट टूल नोन एज ए टी अकाउंट विच शो चेंजेस इन द बैलेंस शीट आइटम्स. अच्छा, ये देखिए बड़ा अच्छा है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है या बैलेंस शीट है वो कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई है. तो वो अगर कहीं दिखाता है या शो करता है डिस्कस, उसको कहते हैं टी अकाउंट. अब टी आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि टी क्यों रखा गया है. इफ समबडी कैन से आई विल बी हैप्पी टू नो कि माय स्टूडेंट्स आर यू नो सो इंटेलिजेंट एंड दे आर डूइंग सो वेल. कह रहा है कि बैंक्स कैपिटल एंड बैंक प्रॉफिट क्या होती है. बैंक कैपिटल तो आपको पता है, आप लोगों को बैंक कैपिटल जो उसके पास डिपॉजिट है, सिक्योरिटीज हैं, वो सारी है उसके. एज विथ एनी अदर बिजनेस ए बैंक प्रॉफिट आर द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट. जो सबको पता है कि प्रॉफिट जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट में है. ए बैंक रेवेन्यू आर अर्न प्राइमरली फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन इट्स सिक्योरिटी एंड लोन एंड द फी इट्स चार्ज फॉर सर्विसेज सच एज क्रेडिट कार्ड सर्विंग डिपॉजिटल अकाउंट एंड कैरिंग आउट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन. उसमें भी उससे जो उसको मिलता है यही उसके रेवेन्यू के सोर्सेज होते हैं. आगे करें, बैंक कॉस्ट आर इंटरेस्ट इट पेज टू इट्स डिपॉजिटर्स. द इंटरेस्ट इज पेज ऑन लोन आर अदर डेब्ट एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट्स सर्विसेज. ओके, उससे भी उसको मिलता है. नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि वॉट इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन. यहाँ हम यही डिस्कस कर, ए बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इट रिसीव एंड सिक्योरिटी एंड लोन एंड इंटरेस्ट इट पेज टू डिपॉजिटर्स एंड डेब्ट डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू ऑफ अर्निंग एसेट्स. की वो क्या करता है, जितना उसने अर्न किया माइनस द पे ऑफ जो भी उसने पे किया डिवाइडेड बाई अर्निंग एसेट्स, उससे इसको पता चलता है. कह रहे कि If we subtract the bank cost providing its services from the fee it's received, divide the result by bank total assets, and then add the bank's net margin, we have the expression for the bank total earn per dollars, which is called return on assets. कि ये सारा जो first step आपने कर लिया, net margin निकाल लिया, और उसको अगर आप add कर लेते, net margin को अगर आपने add कर लिया, तो वो जो expression होता है, उसको return on asset या आरओ कहते हैं. ठीक है, देखिए कह रहा है कि आरओ इज यूजली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आर द प्रॉफिट दैट रिमेन आफ्टर द बैंक हैज पेड इट टैक्सेस. अब उसको एग्जैक्ट फॉर्म में देखिए लिख दिया है कि आफ्टर माइनस टैक्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बैंक एसेट्स, जो शुरू में मैं बता रही थी आप लोगों को. अच्छा, नेक्स्ट है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो हमने वहां आपको बता दिया है, तो ये स्लाइड्स पे अब उतना आई डोंट नीड टू फोकस मोर. फाइन, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट. करेक्ट, कैपिटल बैंक, वो उसी का पार्ट. ए बैंक शेयर होल्डर्स ओन द बैंक कैपिटल एंड आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट. द बैंक मैनेजर्स आर एबल टू अर्न देयर इन्वेस्टमेंट. सो शेयर होल्डर ऑफन जज बैंक्स manages not on the basis of RO but on the basis of return on equity REA. Return on equity is after tax, profit per dollar or bank deposit. देखिए इसमें अंतर यही है. पहले में ROA में जो पहले हम आपको ROA जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया ROE में है कि डिवाइडेड बैंक एसेट्स है और RO आपका E में है बैंक कैपिटल डिवाइडेड बैंक कैपिटल. ठीक है, तो ये दोनों ये फॉर्मूला है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इसको. फाइन, सो व्हाट इज द नेक्स्ट, उसी को कंटिन्यू अभी हम कर रहे हैं. कह रहा है कि वी कैन कंक्लूड दैट द मार्जिन ऑफ बैंक्स एंड अदर्स फाइनेंशियल फर्म मे हैव एन इंसेंटिव टू होल्ड ए हाई रेशियो ऑफ एसेट्स टू कैपिटल. कि वो एसेट्स टू कैपिटल वो ज्यादा रखते हैं, उसमें कुछ उनका इंटरेस्ट होगा. द रेशियो ऑफ एसेट्स टू कैपिटल इज वन मेजर्ड ऑफ बैंक लिवरेज. The inverse of which capital to assets is called the bank leverage ratio. अच्छा, the ratio of assets to capital is once measured. Okay,
यानी अगर आप रेशियो कैपिटल एसेट्स टू कैपिटल का अगर रेशियो देखते हैं उसको लिवरेज कहते हैं, रेशियो कहते हैं. लिवरेज इज ए मेजर ऑफ हाउ मच डेब्ट एन इन्वेस्टर एज्यूम इन मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट. द रेशियो ऑफ एसेट्स टू कैपिटल इज ए मेजर ऑफ बैंक लिवरेज बिकॉज बैंक टेक ऑन द डेब्ट बाई फॉर इंस्टांस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट टू गेन द फंड्स टू द एक्युमुलेटेड एसेट्स. ये सिंपल सिंपल है. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इसी का कंटिन्यूएशन में कह रहे हैं कि हाई रेशियो ऑफ एसेट्स टू कैपिटल हाई लिवरेज इज ए टू एज स्वॉर्ड. अगर आपका लिवरेज बहुत हाई है तो वो टू एज स्वॉर्ड है. कैसे? लिवरेज कैन मैग्निफाई रिलेटिवली स्मॉल आर ओ इन टू ए लार्ज आर ओ ई. इक्विटी जो आपकी आप बात कर रहे हैं वो आर ए ओ को हाई में बना सकता है. ठीक है, दैट इज डेंजरस. फाइन. ओके, ये यहाँ हमने कर लिया हम लोगों ने. नेक्स्ट और कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे हैं. कह रहा है इन टू रिपोर्ट्स मोरल हजार्ड कैन कंट्रीब्यूट टू हाई रिस्क लिवरेज. अब देखिए यहाँ भी हमने पहले भी मोरल हजार्ड, यानी मोरल हजार्ड वो होता है कि कोई भी फैसिलिटी अगर आपने दिया है, कोई किसी ने उसका एक्सेसिव यूज कर लिया, जिसकी वजह से जो भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था वो प्रीमियम अपना बढ़ा दे, वो मोरल हजार्ड होता है. फर्स्ट, बैंक मैनेजर्स आर टिपिकली कंपेंसेटेड एट लीस्ट पार्शियली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड शेयर होल्डर्स विद द हाई आरओई. ओके, पार्टिकुलरली इफ मैनेजर्स डू नॉट देमसेल्फ ओन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टॉक इन द बैंक दे मे हैव एन इंसेंटिव टू टेक ए रिस्क देन शेयर होल्डर विल प्रेफर. कि भाई इसको डिसाइड करने के लिए ये भी जरूरी है कि जो कंज्यूमर जो भी कस्टमर जाता है वो ये देखता है कि इनका खुद का क्या अपना, जहां हमें इन्वेस्ट करने की बात करें तो खुद ही इसमें बैठे क्या इन्होंने इन्वेस्ट किया है या मुझे ही बस बताए जा रहे हैं. नेक्स्ट कुछ सेकंड क्या है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस हैज इंक्रीज मोरल हजार्ड बाय रिड्यूसिंग द इंसेंटिव डिपॉजिट्स हैव टू मॉनिटर द बिहेवियर ऑफ द बैंक मैनेजर. डिपॉजिटर्स विद अकाउंट बिलो द डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट डू नॉट सफर लॉस ऑफ देयर बैंक्स फेल बिकॉज द बैंक्स मैनेजर टू कैट एक्सेसिव रिस्क. वो लॉस नहीं करता, वो एक्सेसिव उसको ध्यान में रखता है इन चीजों को. सो बैंक मैनेजर डू नॉट हैव अ फियर दैट बिकमिंग मोर हाईली लिवरेज विल कॉज डिपॉजिटर्स टू विड्रॉ देयर मनी. ओके, सो दैट्स वरी अबाउट. और इतना लोगों को एग्जैक्ट पता भी नहीं होता. फाइनेंशियल एजुकेशन अगर मैं कहूँ इंडिया में ओवरऑल, अगर ऑल पॉपुलेशन पे, एक छोटा सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है जिसको इसके बारे में बहुत नॉलेज है, अदरवाइज पीपल आर नॉट मच अवेयर अबाउट दिस यू नो टर्म्स एंड डिटेल्स. यू आर नाउ ए बिकम स्टूडेंट, ऑनर्स स्टूडेंट, दैट्स द रीजन यू आर लर्निंग. कैन टू डील विद दिस रिस्क गवर्नमेंट रेगुलेट देयर कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव प्लेस लिमिट ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट कमर्शियल बैंक कैन एक्वायर रिलेटिव टू देयर कैपिटल. वो इसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई जो है या जो फेड बैंक होता है वो चीजों को रेगुलेट करता है. दीज सीम्स लिमिट्स हाउएवर हैव नॉट अप्लाइड टू अदर फाइनेंशियल फॉर्म्स सच एज इन्वेस्टमेंट बैंक्स. अच्छा, अब कह रहा है कि व्हाट इज द मैनेजिंग बैंक रिस्क. ये मैनेजिंग बैंक रिस्क क्या होता है? कह रहा है कि इन एडिशन टू रिस्क दैट बैंक मे फेस फ्रॉम इनएडिक्वेट कैपिटल रिलेटिव टू देयर assets, bank face severe several other types of risk. In this section, we will examine how banks deal with the following three type of risk: liquidity risk, credit risk, and interest rate risk. Teen ko managing bank teen tarah ke risk, liquidity risk hai, credit risk hai, interest. Us teeno ki hum aage baat karenge. Chaliye. सो फर्स्ट है मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क. क्या होता है? कह रहा है लिक्विडिटी रिस्क प्रेफर टू द पॉसिबिलिटी दैट ए बैंक मे नॉट बी एबल टू मीट इट्स कैश. कि जितनी डिमांड है उसकी कैश की शायद वो उसको मिल ना पाए, उतना वो दे ना पाए और उतना फंड रेज ना कर पाए. सो फॉर एग्जाम्पल लार्ज डिपॉजिट विड्रॉल माइट फोर्स ए बैंक टू सेल रिलेटिवली इन लिक्विड लोन्स पॉसिबली सफर लॉस ऑन द सेल्स. द चैलेंजेस टू बैंक इन मैनेजिंग liquidity risk is to reduce their exposure to risk without sacrificing too much profitability. कि कुछ जो बैंक होते हैं अगर वो एक बड़ा जो डिपॉजिटर है विड्रॉल कर ले तो पता चले कि इनको अपने जो थोड़े रिलेटिवली इलिक्विड लोन्स हैं शायद उसको यू नो सेल ऑफ करना पड़े उसको पे ऑफ करने के लिए. एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहा है कि बैंक कैन मिनिमाइज लिक्विडिटी
liquidity risk by holding fewer loans and security and more reserves, such as a strategy reduce the bank's profitability. However, because the banks examine no interest on value cash and others interest on its reserve deposit with the Fed. ये simple सा language है और इसको आप लोगों की example भी समझ में आ गया. So I don't, I'm not explaining. आपको read कर दे रही हूँ so that concentrate करके आप लोग भी उसको ध्यान दे और जहाँ रहे तो वहाँ मेरे से पूछ लेंगे. मैम ये आपने क्या बता दिया. So rather than hold large amount of excess reserve, banks typically reduce liquidity risk through strategy of assets management and liquidity management. इससे अपने वो क्या करता है, इसको reduce करता है, ठीक है. Next जो आपका है वो है managing credit risk. वो तो अभी क्या liquidity risk की बात, अब credit risk क्या है. Credit risk is a risk that borrowers might default on their loans. कि जो आपका creditors है, credit borrowers है, might default on their loans. कि जितने भी लोगों को अपने लोन दिया शायद लोग वापस ना कर. We saw in earlier section that the credit risk can arise because asymmetric information often result problem adverse selection and moral hazard. ये दोनों चीजें हमने कई बार बताई है कि adverse selection and moral hazard की वजह से ये हो सकता है. कह रहे because borrowers know more about their financial health and their true plans to use the borrowing money, banks may find themselves inadvertently lending to poor credit risk to borrowers who intended to use borrowed funds for something other than their intended purpose. भाई ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम फैक्ट्री लगाने के लिए ले रहे हैं लेकिन वो उसका कुछ और कर लेते हैं. तो वो ट्रू जानना भी जरूरी है कि आदमी का मोटिव क्या है. We now briefly considered the different method banks can use to manage their credit risk. को मैनेज करने के लिए कौन कौन से, एक तो डाइवर्सिफिकेशन की बात हमने किया है. We saw that earlier section that the investor, whether individuals, financial firms can reduce their exposure to risk by diversifying their holding. If bank lend too much to one borrower, the borrowers in one region or borrowers in one industry, they exposed to greater risk. कि इसको आप क्या करें कि जो भी आप लैंड, यू नो, इफ यू आर गिविंग द पीपल टू बोरो द मनी फ्रॉम योर बैंक, उसको डाइवर्सिफिकेशन कर दीजिए. आप एक जगह कोई कहीं जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं करिए सो दैट जो आपका रिस्क है वो रिस्क मिनिमाइज हो गया. ओके, नेक्स्ट जो है क्रेडिट रिस्क एनालिसिस क्या है. इन परफॉर्मेंस क्रेडिट रिस्क एनालिसिस, बैंक लोन ऑफिसर स्क्रीन लोन्स एप्लीकेंट टू एलिमिनेट पोटेंशियल बैड रिस्क एंड ऑब्टेन ए पूल ऑफ क्रेडिट वर्थी बोरोवर्स. देखिए ये जब बैंक लोन देता है तो ऐसा नहीं कि आप अप्लाई करें और मिल जाए, वो स्क्रीन करता है, वो जानता है कि ये आदमी जो है वो आकर आपका इंस्टीट्यूट देखेगा, जहाँ काम करते हैं वो देखेगा, तब वो आपको लोन देगा. इंडिविजुअल्स बोरोवर्स यूजली मस्ट गिव द लोन ऑफिसर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एम्प्लॉयमेंट, इनकम, नेटवर्थ, बिकॉज बिजनेसेस बोरोवर्स सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट देयर करेंट एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड नेटवर्क. कि वो जो है वो हर चीज बड़ा ही सोच समझ के फिर वो लोन आपको देता है, ऐसा नहीं कि वो दे देता है, कि वो आपका एम्प्लॉयमेंट भी जानता है, इनकम भी जानने की, नेटवर्थ क्या है आपकी. थर्ड जो कह रहा है, बैंक्स ऑफन यूज क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम टू प्रिडिक्ट स्टैटिकली वेदर ए बोरोवर इज लाइकली टू डिफॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल वो तो क्रेडिट स्कोर सिस्टम है, इसको सीबी इंडिया में आई थिंक सीबी कहते हैं, कुछ ऐसे ही वर्ड है, मैं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा. फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स हु चेंज जॉब्स फ्रीक्वेंटली आर मोर लाइकली टू डिफॉल्ट देन आर द पीपल विद मोर स्टेबल जॉब हिस्ट्री. लोन ऑफिसर नॉट ओनली कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रांटिंग ए लोन, दे ऑल्सो मॉनिटर द बोरोइंग बोरोवर्स ड्यूरिंग देयर टर्म्स ऑफ लोन. वो मॉनिटर करते रहते हैं ताकि वो फिर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो बनती है, क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम इसी से तो बनेगा, सीसेस जो बनेगा वो इसी से बनेगा कि हाउ यू हैव बिहेव. अच्छा, व्हाट इज द प्राइम रेट. सो प्राइम रेट का हिस्टोरिकली लोन रेट्स टू डू बिजनेस वेयर बेस्ड ऑन द प्राइम रेट व्हिच वाज द इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन सिक्स मंथ लोन टू बोरोवर्स विद द लोएस्ट एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट रेट आर सो कॉल्ड हाई क्वांटिटी बोरोवर्स, हाई क्वालिटी बोरोवर्स. अदर लोन्स कैरीड इंटरेस्ट रेट ग्रेटर देन द प्राइम रेट अकॉर्डिंग टू देयर क्रेडिट रिस्क. हाई रिस्क लोन्स हैड ग्रेटर इंटरेस्ट. जहाँ रिस्क ज्यादा होगा लोन तो आपका इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा ही होगा ना. तो प्राइम वो होता है कि जहाँ पे आपका चार्ज कम करते हैं, विच वॉज द इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन ए सिक्स मंथ लोन टू बोरो विद द लोएस्ट एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट. उसका डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. आगे आप इसमें क्या कह रहा है कि
टूडे हाउएवर बैंक्स चार्ज मोस्ट लार्ज टू मीडियम साइज बिजनेस इंटरेस्ट रेट दैट रिफ्लेक्ट चेंजिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट इंस्टीड ऑफ स्टेटिंग प्राइम रेट विच इज टिपिकली चार्ज ओनली स्मॉल. तो वो कह रहा है कि प्राइम रेट में भाई इंटरेस्ट रेट कम होता है लेकिन अभी ऐसा नहीं, सब चीज़ें चेंज हो गई हैं और जो भी बैंक है वो मीडियम साइज के बिजनेसेस इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करता है. अच्छा नेक्स्ट जो आपका है वो है कोलेट्रल क्या होता है. टू कम्बैट प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन बैंक्स ऑल्सो जनरली रिक्वायर दैट ए बोरोवर्स पुट अप कोलेट्रल आर एसेट्स प्लीज टू बैंक इन द इवेंट दैट द बोरोवर डिफॉल्ट. वही है कोलेट्रल का मतलब होता है कि आप किसी चीज को रख के और उस पर आपने लोन लिया. अगर मैं एजुकेशन लोन की बात कहूँ आपको कि आपने आपके पास एक घर है उसको दिखा के आपने लोन लिया एजुकेशन लोन, तो कोलेट्रल क्या है आपका हाउस है. फॉर एग्जाम्पल एन एंटरप्रेन्योर हु नीड ए बैंक लोन टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस विल लाइकली टू आस्क बाई द बैंक टू प्लीज सम ऑफ हर फाइनेंस हर आर हिज फाइनेंशियल एसेट्स आर हर हाउस एज ए कोलेट्रल, जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था एजुकेशन लोन के बारे में. इन एडिशन द बैंक माइट रिक्वायर द एंटरप्रेन्योर्स टू मेंटेन ए कंपेंसेट बैलेंस ए रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट दैट द बिजनेस टेकिंग आउट द लोन मस्ट मिनिमाइज इट्स चेकिंग अकाउंट विद द लैंडिंग बैंक. ये सिमिलर चीजें हैं वो मैंने पढ़ दिया. आई थिंक यू पीपल हैव अंडरस्टूड. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन. क्रेडिट क्रेडिट रैशनिंग क्या होती है. देखिए मैं पढ़ रही हूँ इसका एक और भी रीजन है कि जितना देर मैं बता रही हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इसका स्नैप्स ले लीजिए, इसकी पिक्चर निकाल लीजिए ताकि उसको बाद में आप देख सके. कह रहा है क्रेडिट रैशनिंग क्या होता है. कह रहा है कि सेकेंड टाइप ऑफ क्रेडिट रैशनिंग अकर्स इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्स सेलेक्शन प्रॉब्लम दैट अराइजेस व्हेन बोरोअर हैज लिटिल आर नो कोलेटरल टू offer the bank. What if the bank tries to raise the interest? It charges the compensate itself for the higher default risk borrowers represent. The bank cannot distinguish the low risk borrowers in this group from the high risk borrowers. It turns the risk of having the low risk borrowers drop out of the loan pool because the high interest rate, leaving only the high risk borrowers. So the keeping the interest rate at the lower level and denying loan altogether to some borrowers can be bank can be in the bank best interest. So keeping interest rate at the lower level and denying loans altogether to some borrowers can be in the ये तो सिंपल सी लैंग्वेज है, आप लोग बस इसको एक बार देख लीजिएगा. ठीक है नेक्स्ट जो हमारा है वो है मॉनिटरिंग एंड रिस्ट्रिक्टिव कन्वेनेंट्स क्या होते हैं. करे टू रिड्यूस द cost of moral hazard banks monitor borrowers to make sure they use the fund borrowed to pursue authorized risky activities. Bank keep track of whether borrowers are obeying restrictive covenant or explicit provision in the loan agreement that prohibit the borrowers from engaging in certain activity. A business borrower money to pay for new equipment might be explicitly barred from using the money to meet the payroll obligation or the financial investment. कि आप जो है वो मॉनिटर करता है जो भी बैंक अगर पैसे फिर वो मॉनिटर करता है कि जो उसने पैसे दिए जिस चीज के लिए क्या आपने उस पर खर्चा किया कि नहीं किया या लिया किसी और चीज के लिए खर्च किसी और चीज पे कर रहे हैं. तो इसको मॉनिटरी एंड रिस्ट्रिक्टिव कन्वेनेंट्स कहते हैं. ठीक है नेक्स्ट जो आपका है वो है लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप क्या होता है. भाई इसमें भी देखिए रिलेशनशिप तो आ ही गया. व्हाट इज द लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप. वी सॉ इन प्रीवियस डिस्कशन दैट द एबिलिटी टू बैंक टू एक्सेस क्रेडिट रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑन बोरोअर्स इज कॉल्ड द यानी किसी को आपने एबिलिटी टू बैंक टू एक्सेस ए क्रेडिट रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन से उसका क्रेडिट रिस्क का जो आप जज कर रहे हैं उसको कहते हैं रिलेशनशिप बैंकिंग. वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ ए बैंक टू गेदर इन्फॉर्मेशन अबाउट बोरोअर्स प्रोस्पेक्ट आर टू मॉनिटर अ बोरोअर्स एक्टिविटी इज फॉर द बैंक टू हैव अ लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन विद द बोरोअर्स बाय ऑब्जर्विंग द बोरोअर्स ओवर द टाइम थ्रू द बोरोअर्स चेकिंग अकाउंट एक्टिविटी एंड लोन रीपेमेंट द बैंक कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बाय द रिड्यूसिंग इट्स इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड मॉनिटरिंग cost, information gathering and monitoring costs.
ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो एक लोगों को जिससे भी लॉन्ग टर्म रिलेशन यही होता है कि आप जो है जो भी बोरो करना चाहते हैं उसके बिहेवियर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जज करते हैं कि अच्छा उस आप अकाउंट को कैसे वो हैंडल करता है, यू नो हाउ ही इज बिहेव, ही इज एबल टू पे देयर व्हाट एवर ही हैज टेकन, जो प्रीमियम है वो पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. वो इन सब चीजों का यू नो लॉन्ग टर्म में जब आप किसी चीज का अध्ययन करें उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप. इसी में एक छोटा सा पार्ट है, आई वुड लाइक टू टेल यू, कह रहा है कि बोरोअर्स आल्सो गेन फ्रॉम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द बैंक. द कस्टमर कैन ऑब्टेन क्रेडिट एज ए लोअर लोअर इंटरेस्ट रेट आर विद द फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ द बैंक अवॉइड कॉस्टली. देखिए अगर आपने जैसे मैं आपको एग्जाम्पल इसका दूंगी कि अगर आप एक पर्सनल लोन लेते हैं, पहला पर्सनल लोन हो सकता है आपको 16-17% में, लेकिन वही दूसरा जाएंगे तो अगर आपने पहला वाला अच्छा से पे कर दिया तो दूसरा आपको कम है, तीसरा उससे भी कम, चौथा उससे भी कम. तो ये यू नो एक इट्स नॉट गोइंग टू बी जीरो बट इट विल बी नॉट एज यूजुअल हाई एज द फर्स्ट टाइम बोरोवर्स. ये है, ये फैक्ट है एंड आई हैव हर्ड दिस, दिस इज वेरी मच फैक्ट. कह रहा है कि व्हाट इज द मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो शुरू में हमने तीन रिस्क की बात की, एक लिक्विडिटी रिस्क है, एक इंटरेस्ट रेट रिस्क है. Here we will talk about interest rate risk. Bank experience interest rate risk if changes in market interest rate causes bank profit or bank capital to fluctuate. अच्छा कि अगर वो मार्केट के इंटरेस्ट रेट की वजह से बैंक को या तो प्रॉफिट हो या उसका प्रॉफिट कैपिटल फ्लक्चुएट हो. द रिफ्लेक्शन ऑफ ए चेंजेस इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन द वैल्यू ऑफ बैंक एसेट्स एंड लाइबिलिटी इज सिमिलर टू बैंक ऑफ चेंजेस इन इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड प्राइसेज. तो जो इसके बिहेवियर है और जो बॉन्ड प्राइस का भी, वो मोरल सेम है. ए राइज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट विल लोअर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए बैंक एसेट्स एंड लाइबिलिटी एंड ए फॉल इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट विल राइज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए बैंक एसेट. कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम है तो आपके जो एसेट्स और उनकी जो है उनकी वैल्यू, मार्केट एसेट्स वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी. एंड अगर आपका फॉल इन द मार्केट, अगर मार्केट इंटरेस्ट कम होता है तो उससे उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी. अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ता है यानी निगेटिव कोरिलेशन है. ठीक है, अच्छा आगे जो है इसी का छोटा सा पार्ट है, कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक्स एसेट्स एंड लाइबिलिटी डिपेंड्स इन द पार्ट ऑन वेदर द एसेट्स आर लाइबिलिटीज आर वेरिएबल आर फिक्स रेट. जो वो किस तरह के हैं, फिक्स मीन्स you can't change, variables which can be changeable. The interest rate on a variable rate assets or liability change at least once a year, while the interest rate on a fixed assets or liability change less often than once a year. कि जो variable है वो तो एक साल में change हो जाएगा, लेकिन जो fix है वो it's not going to change once in a year. ठीक है, हमारा जो next है वो है मेजरिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क गैप एनालिसिस एंड ड्यूरेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ ऑफ बैंक. ये गैप एनालिसिस क्या होती है, कह रहा है कि यूज ग्रुप एनालिसिस एंड ड्यूरेशन एनालिसिस टू मेजर द हाउ वल्नरेबल देयर बैंक्स आर टू इंटरेस्ट रेट रिस्क. गैप एनालिसिस लुक एट डिफरेंस आर गैप बिटवीन द डॉलर वैल्यू ऑफ ए बैंक वेरिएबल रेट एसेट्स एंड डॉलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल रेट ऑफ लाइबिलिटी. यानी एसेट्स की वेरिएबल रेट क्या है और आपकी लाइबिलिटी की वेरिएबल रेट क्या, उसके डिफरेंस को देखता है, उसी को हम कहते हैं गैप एनालिसिस. मोस्ट बैंक हैव नेगेटिव गैप बिकॉज देयर लाइबिलिटी मेनली डिपॉजिट्स आर मोर लाइकली टू हैव वेरिएबल रेट देन आर देयर एसेट्स मेनली लोन्स एंड सिक्योरिटी. बैंक में जो है वो नेगेटिव गैप होता है बिकॉज ऑफ जो उनकी लाइबिलिटीज है मोर लाइकली टू हैव वेरिएबल रेट देन देयर द एसेट्स वन. ओके ओके, व्हाट इज द ड्यूरेशन एनालिसिस. ड्यूरेशन एनालिसिस मेजर्स हाउ सेंसिटिव ए बैंक कैपिटल इज टू चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट. कि एक जो है एनालिसिस मेजर्स सेंसिटिव ए बैंक कैपिटल टू चेंज द मार्केट इंटरेस्ट. कि कितना एक बैंक का जो कैपिटल है वो कितना सेंसिटिव है जिस की चेंज इन द मार्केट इंटरेस्ट, कि मार्केट इंटरेस्ट है कितना चेंज हो सकता है. ए बैंक ड्यूरेशन गैप इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द बैंक एसेट्स एंड द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बैंक. वो गैप तो यही है ना कि एसेट्स और आपका लाइबिलिटीज में क्या डिफरेंस है. इफ ए बैंक हैज ए पॉजिटिव ड्यूरेशन गैप द ड्यूरेशन ऑफ द बैंक एसेट्स इज ग्रेटर देन द ड्यूरेशन ऑफ द लाइबिलिटी. अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि एसेट्स
जो है उसका ड्यूरेशन ग्रेटर देन द लाइबिलिटी है. इन केस एन इंक्रीज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ बैंक एसेट्स मोर देन द वैल्यू ऑफ बैंक लाइबिलिटी विच विल डिक्रीज द बैंक कैपिटल. ये ईजी है, सिंपल सी लाइन है. बैंक टिपिकली हैव अ पॉजिटिव ड्यूरेशन गैप बिकॉज देयर एसेट्स मेनली लोन्स एंड सिक्योरिटी हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन देन द लाइबिलिटी मेनली डिपॉजिट. कि उनके पास जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ड्यूरेशन जो होगा उसका पॉजिटिव, क्योंकि उसकी लाइबिलिटीज जो होती हैं वो कम होती हैं, जबकि जो उनका इन्वेस्टमेंट है, जो लोन, जो सिक्योरिटी, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है. अब आपको हम थर्ड जो इसका पार्ट था, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जो शुरू में हमने आप लोगों को बताया था इंडियन बैंकिंग सिस्टम चेंजिंग रोल ऑफ रोल एंड स्ट्रक्चर, तो इस पे हम बैंकिंग इज ए इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक. ओके, सो नाउ वी विल सी इसमें क्या क्या चीजें मैं डिस्कस करूंगी, ये बताऊंगी कि ये थोड़ा सा इंडियन बैंकिंग. ओ नो, आई एम सॉरी, गिव मी अ मिनट, आई विल गेट आउट. हाँ, अब तो सबको दिख ही रहा होगा. सो इट्स नॉट यू, पीपल आर नॉट गोइंग टू, यू विल सी नाउ. ओके, सो इंडियन बैंकिंग सिस्टम चेंजिंग रोल स्ट्रक्चर, इसमें एक तो इंडिजीनियस बैंक की हमने बात किया है, डिफेक्ट इसके क्या हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या है, रिजर्व क्या है, कमर्शियल क्या है, शेड्यूल क्या है, ये सारे जो बैंक्स के कुछ स्ट्रक्चर हैं वो हमने आप लोगों को बताने की कोशिश किया है. थोड़ा थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बिकॉज आई नो वी हैव 15 मिनट्स यू नो अनदर टू गो फॉर, देन वी विल गो फॉर क्वेश्चन आंसर, हाफ एन आवर फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन. कह रहा है इंडोजीनियस बैंक क्या होता है भाई, कह रहा है कि द एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ इंडोजीनियस बैंक इज नॉट नोन बट इट इज सर्टन दैट द ओल्ड बैंकिंग सिस्टम हैज बीन फंक्शनिंग फॉर सेंचुरी. सम पीपल ट्रस्ट दैट द इंडोजीनियस बैंक और वैदिक टाइम इट हैज बीन एडवांस फुलफिल द नीड्स फॉर द कंट्री इन द पास्ट. हाउएवर विद द कमिंग द ब्रिटिश इट्स डिक्लाइन स्टार्टेड डिपॉजिट द मॉडर्न कमर्शियल बैंक. हाउएवर द इंडोजीनियस बैंक कंटिन्यू टू होल्ड अ प्रोमिनेंट पोजिशन इन इंडियन मनी मार्केट इवन इन प्रेजेंट टाइम. इट्स इंक्लूड सॉफ्ट सेट्स महाजन. अच्छा, ये लोग वो इंडोजीनियस बैंक जो है वो महाजन वगैरह जो पहले होते थे ना, वो इंडोजीनियस बैंक उनको माना जाता था क्योंकि वही पैसे लेन देन करते थे. तो अगर कहें तो ये तो बहुत पुरानी प्रथा है इंडिया के हिसाब से. अच्छा, इसके डिफेक्ट्स क्या हैं, डिफेक्ट्स की हम बात करें तो कह रहे हैं कि द मेन डिफेक्ट्स ऑफ इंडिजीनियस बैंक्स आर दे आर अनऑर्गेनाइज्ड एंड डू नॉट हैव कॉन्टेक्ट विद द अदर्स बैंकिंग वर्ल्ड. वो है ही महाजन जो है वो गाँव में जाना जाता है उसको, इंडिया में भी नहीं लोग जानते हैं. दे कंबाइन बैंकिंग विद ट्रेडिंग एंड कमीशन बिजनेस एंड दस हैव इंट्रोड्यूस ट्रेड रिस्क इन टू देयर बैंकिंग सिस्टम. कि ऐसा नहीं कि वो बस पैसे ही करते हैं, वो उसको ट्रेड है, उनका कमीशन है, बहुत सारी चीजों से उसको और भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं. तो एक तो दूसरा फॉल्ट उसका ये है. दे डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड ऑल्सो बिटवीन द पर्पज ऑफ फाइनेंस. कि ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट अलग दिया, लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं तो अलग दिया, वो नहीं. और दूसरा उनका फाइनेंस का पर्पज भी नहीं पता होता है, तो ये तो प्रॉब्लम है ना. दे फॉलो वर्नाकुलर मैथड ऑफ कीपिंग अकाउंट. दे डू नॉट give received in most cases and interest which they charge is out of proportion to the rate of interest charged by the banking institution in the country. वो तो है, ये बात सही है कि वो कोई receipt नहीं है, कुछ नहीं है, कोई accountability नहीं है. तो आज के तो 21st century में it's difficult. You cannot do this kind of things. अच्छा, next जो बता रहे हैं कि structure of organized Indian banking system वो क्या है, RBI की बात इसमें हम कर रहे हैं. RBI क्या है? The country had no central bank prior to establishing the RBI. The RBI is the supreme monetary and banking authority in the country and control the banking system in India. It is called reserve. यानी जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, गाइड करता है, वो RBI है. तो सर्वा सर्वा इंडिया में RBI है. ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा हमने बैंकिंग सिस्टम को आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिजर्व ये हमने सेंटर की क्या है, कॉमर्शियल बैंक है, कमर्शियल में तो पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, रीजनल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है. अच्छा, कमर्शियल में भी, पब्लिक प्राइवेट में भी स्टेट बैंक ग्रुप्स हैं, अदर नेशनलाइज्ड बैंक हैं. स्टेट बैंक ग्रुप्स में क्या है, SBI है, एसोसिएट बैंक्स हैं.
प्राइवेट में कौन है, इंडियन एंड फॉरेन है। इंडियन कौन कौन है, जैसे आप आईसीआईसीआई की बात कर लें, एक्सिस बैंक की बात करें, वो प्राइवेट इंडियन है। फॉरेन में क्या हो जाएगा, सिटी बैंक हो गया, डॉइच बैंक है एक, वो भी ले सकते हैं आप। अच्छा, कॉर्पोरेट बैंक क्या है, स्टेट कॉपरेटिव बैंक्स होते हैं, सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक्स होते हैं, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी होती है। ये एक स्ट्रक्चर है कहाँ से, फाइनेंशियल सिस्टम से। अच्छा, तो व्हाट इज द कमर्शियल बैंक क्या होता है, अब वो थोड़े एक एक बैंक के बारे में हल्का फुल्का मैं चाहूंगी कि यू पीपल शुड यू नो गेदर द नॉलेज सो दैट इफ यू गेट द चांस टू राइट समथिंग यू विल बी एबल टू। ये तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो एग्जाम में भी आ सकता है। कमर्शियल बैंक मोबिलाइज सेविंग ऑफ जनरल पब्लिक एंड मेक देम अवेलेबल टू लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्री एंड ट्रेड यूनियन मेनली फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कि इनका कमर्शियल बैंक का काम ये होता है कि जनरल पब्लिक से पैसा लेते हैं और उन लोगों को मुहैया करा देते हैं, दे देते हैं, जो कि स्मॉल या मीडियम बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कमर्शियल बैंक इन इंडिया लार्जली इंडियन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर विद अ फ्यू फॉरेन बैंक्स। द पब्लिक सेक्टर बैंक्स अकाउंट फॉर 92% ऑफ द इंटायर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ऑक्यूपाइंग द डोमिनेंट पोजिशन कमर्शियल बैंकिंग। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स 7 एसोसिएट्स अलॉन्ग विद अनदर 19 बैंक इन पब्लिक सेक्टर। जो मैं आपको कह रही थी ना कि इंडिया में सबसे बड़ा जो बैंक है वो SBI है, जो कि पब्लिक सेक्टर का है, और उसके 7 एसोसिएट्स भी हैं, ये तो बता रहे हैं ना। सो ये व्हाट इज द शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं। द शेड्यूल बैंक्स आर दोज विच आर इंस्ट्राइंड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI 1934 में। देखिए ये सही था, जो एक्ट पास 1934 में। These banks have a paid up capital and reserves of aggregate value of less than 5 lakhs. They have to satisfy the RBI that their affairs are carried out in the interest of their depositors. अच्छा, तो शेड्यूल बैंक उन्हें कहते हैं जिनके पास 5 लाख का डिपॉजिट हो। All commercial bank, foreign region, rural bank and state, this. Non-scheduled banks are that which are not included in the second Schedule of 1934, RBI 89. At present, there are only 3 such banks in the country. Okay. What is the regional rural bank? क्या होता है? कह रहा है कि the regional rural bank, the newest form of bank, come into existence in the mid 70s, sponsored by individuals, nationalized commercial bank. The objective of developing rural economy. By providing credit and deposit facility for agriculture and other productive activity of all kinds in rural areas. कि ये जो regional bank का existence आया, वो इसलिए आया कि भाई वो चाहते थे कि regional में agriculture में लोगों को invest करें और उसमें productivity आए और लोगों को job मिले, तो उसके purposes को start किया गया था। और ये कब शुरू हुआ, 1970 में शुरू हुआ। The emphasis on providing such facility to small and marginal farmers, agricultural laborers, rural artisan and other enterprises in the area. कह रहा है कि इनका टारगेट ग्रुप कौन था, लोग कौन थे, कहा कि मार्जिनल फार्मर्स थे, किसान था, लेबरर था, रूरल का कोई आर्टिजन क्लास है जो कोई कुछ बना लेता है, या पेंटर बहुत अच्छा है और उसको बेचना चाहता है, तो उन सब चीजों के लिए रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो है वो है अदर स्पेशल फीचर्स ऑफ दीज बैंक्स। ये आप लोग इसका पिक्चर ले लीजिए, कह रहा है कि देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक रीजन, क्योंकि रीजनल है तो स्पेसिफिक रीजन में ही होगा। कंप्राइजिंग वन आर मोर डिस्ट्रिक्ट्स इन स्टेट, देयर लैंडिंग रेट कैन नॉट बी हायर देन द प्रिवेलिंग लैंडिंग रेट ऑफ कॉर्पोरेट क्रेडिट सोसाइटी। अच्छा, इसमें यह भी है कि इनका जो लैंडिंग, अगर वो लोगों को पैसा देते हैं, वो कॉर्पोरेट जो क्रेडिट सोसाइटी उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। द पेड अप कैपिटल ऑफ ईच रूरल बैंक इज 25 लाख, 50% ऑफ व्हिच हैज कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% बाय इंटरेस्ट एंड 35% बाय स्पॉन्सर पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक व्हिच आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली सेटिंग अप बाय द RRB। ओरिजिनल रूरल बैंक से है RRB। कह रहा है कि भाई इनके पास 25 लाख का फंड होता है, वो पैसे कहाँ से आते हैं, तो 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 15% स्टेट देता है और 35% जो है वो RBI के थ्रू आता है। फाइन, सो वी आर इन नाउ। वो अदर स्पेशल फीचर ऑफ द बैंक्स आर, वो सिमिलर है, वही मैं एक बार और आप, because of you people want to I think know a bit. These banks are helped by high level agencies, the sponsor bank of these funds and, हाँ देखिए, NABARD है actually,
NABARD is the bank which regulate most of the, the regional things go. Given then short and medium term loan, the RBI kept CRR, cash reserve requirement for them at 3%, SLR, statutory liquidity requirement at 25 and total net liability. तो इसमें इन्होंने आरबीआई ने क्या किया, बहुत सारा रिलैक्सेशन इनको दिया हुआ है. उसका यही है कि भाई ये बैंक्स जो बने हुए हैं ये कहीं ना कहीं एक रूरल इकोनॉमी को, रूरल आर्टिजन क्लास को, लेबरर्स, किसान को, उनको कहीं ना कहीं दे शुड गेट द जॉब, दे शुड हैव द समथिंग टू डू विद द लाइफ. तो वो कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज द कॉर्पोरेट बैंक, कह रहा है कि कॉर्पोरेटिव बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक्स आर आल्सो कॉल्ड दैट ऑर्गेनाइज अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट क्रेडिट सोसाइटी. ये है इट द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ कॉपरेटिव बैंक्स इज कॉपरेटिव कॉर्पोरेशन. कॉपरेटिव बैंक्स इज एग्रीकल्चर सेक्टर, इन पर्टिकुलर रूरल सेक्टर. कॉपरेटिव बैंक्स भी जो है वो रूरल इकोनॉमी एंड रूरल सेक्टर को सपोर्ट करता है. द कॉपरेटिव बैंक्स इंस्टीट्यूशन ऑपरेट इन द कंट्री आर मेनली टू काइंड, एग्रो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है, नॉन एग्रीकल्चर है. There are two separate cooperative agencies for the provision of agriculture credit. One is a short term and another is medium term and other for the long term. The former has a three-tier federal structure. ये थोड़ा हमने उसको details में बता दिया है ताकि आप लोगों को कहीं लिखना पड़े, so you are able to write it. At the apex in the state cooperative banks, cooperation being a state in India, the intermediary levels are central cooperative bank CCBs and village level primary agriculture credit society. Acha, long term agriculture credit provision by the land development bank. The fund is RBI, mean the agriculture sector pass through CB originally based on. To wo thoda uske function ke bare mein hai. I think you people just read it, one reading is fine for this, you don't need to do much. ओके अब है एक भाई की इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उसका रिफॉर्म, इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म किस तरह से हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, उसकी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे. और इसके लिए हमने सीधे, जैसे कल एक आप लोगों को हमने रेफरेंस दे दिया था कि ये आप आर्टिकल पढ़ लीजिए, इसे सारी, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये आरबीआई की वेबसाइट से हमने लिया हुआ है और इसको लिखने वाले जो हैं वाई वी रेड्डी, जो फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रहे हैं. आरबीआई एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, ये इंडिया के बारे में है. तो प्लीज़ इस पीडीएफ का जो लिंक है इसको क्लिक कर लीजिए. जब आप क्वेश्चन आंसर में हम लोग अभी जाने वाले हैं तो वहाँ भी आप पूछेंगे तो मैं कॉपी पेस्ट करके आपको दे दूंगी, ठीक है. It's fine. I hope we are done with the lecture. Now we will go for question answer session. So I think आप लोगों ने क्लिक तो कर ही लिया होगा. Okay. So now I'm switching over to question answer session. ठीक है, तेरा question है. Sahil Srivastava. Yes, ma'am. Fine. Ma'am, ये हमारी fourth unit है and कल last class है. इट्स मीन फिफ्थ यूनिट में क्या इतना एग्जाम पर्पज सफिशियंट होगा, बिकॉज मैम अभी तक SOL से स्टडी मटेरियल नहीं आया है. देखिए मैंने आपको बुक्स बता दिया, ये लेक्चर के सारे कहा कि आप लोग क्लिक करते जाइए. तो सिमरन कहीं ना, सिमरन चौधरी, ये जो चीजें हमने आपको बीच बीच में बताई है और कल हम आपको कुछ क्वेश्चन भी बता देंगे तो वो कहीं ना, देखिए एग्जाम जो अभी हो रहा है ना वो तो होमवर्क असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम है. तो अगर थोड़ा आप ये सारा क्लासेस कर लें, मटेरियल जो मैं बता रही हूँ वो पढ़ लें, आप कर लेंगी, ठीक है सिमरन चौधरी. अच्छा नेक्स्ट जो है आपका, अच्छा तो ये तो हमने आपको सिमरन चौधरी आपको बता दी, इससे हो जाए. मैम स्लाइड क्लियर सो नहीं हो रहा है. देखिए अपनी तरफ से तो लगाते हैं, अब कोई एक पर्टिकुलर नहीं होगा वो बताएं तो शायद मैं कुछ आपको बता दूं. सुमन भट्ट, अगर आप मुझे बताएं तो कुछ मैं बता दूं. ऐसे तो भाई पूरा स्लाइड्स तो हम दिखाए ही हैं. ओके लेट मी सी व्हाट कैन बी डन. ओके अब मैं आगे वाले क्वेश्चन. मैम एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी माई शेयर होल्ड, यस इट्स राइट, नो वो ठीक है, ये प्लस होगा अगर आप ऐसे एसेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स, क्योंकि लाइबिलिटी जो होती है वो निगेटिव में होती है, ठीक है प्लस होगा यहाँ पे, आप प्लस लिखना, ये प्लस होगा,
प्लस शेयर शेयर होल्डर्स होगा। आपको मैंने आंसर कर दिया आर्यमान शर्मा। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सुमन सिमरन चौधरी का अगेन है कि मैम पोर्टफोलियो की थ्योरी मनी एंड बैंकिंग में पर्सनल फाइनेंस दोनों में यूज होती है। हाँ ठीक है आई नो दैट, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। निखिल अग्रवाल का है सेविंग अकाउंट में तो ट्रांजेक्शन हो सकता है। फनी क्वेश्चन निखिल, आई नो यू नो दैट। मैम व्हाट इज द टी अकाउंट? अच्छा चलिए एक बार आप पूछा आपने तो मैं टी अकाउंट दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, गिव मी अ मिनट, मैं उस स्लाइड्स पे जाके आपको टी अकाउंट दिखा देती हूँ। टी अकाउंट मैं बता रही हूँ आपको, देख के ना एग्जैक्ट बताऊंगी सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि मैम अभी तो कुछ और आपने थोड़ा सा नया बता दिया इसमें। So I don't want to use it. अच्छा देखिए कह रहा है कि we use the account tool known as T account which shows the changes in the balance sheet items. अच्छा T account वो होता है कि जैसे let suppose आपका एक balance sheet है कि कुछ आपने credit किया कुछ discredit किया और वो item आपके change हो गए over the period of time, तो वो जो item change हुए आपके ना उसको T credit T account कहते हैं। ठीक है देवानंद कारमेकर मैंने आपका बता दिया। कह रहे मैम व्हाट इज द, अगर आपको मैं प्राइवेटली उसको कॉपी पेस्ट करके लिख के दे दूं ये, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बोल भी दिया है साथ में ये आंसर भी कर देती हूँ। चलिए आपको मिल गया। मैम प्लीज थोड़ा क्लियर रीड करो। अच्छा ठीक है आगे से ध्यान में रखेंगे प्रियंका, आई एम सॉरी डियर, अगर उस टाइम बोले होते तो मैं और कोशिश करती। फ्रॉम मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, अब इसमें क्या पूछना आप चाह रही हैं? क्लियर करो फ्रॉम मैनेजिंग देखिए मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क ये होता है कि जो आपके पास लिक्विडिटी फॉर्म में चीजें हैं how you are going to minimize your risk, so that is the I have given you, you have the PPT, ek bar aap usko phir dekhiye, nahi hota hai to kal aap puch lena, theek hai, thank you ma'am. Acha ma'am link send kar do. Acha priya ka, ha theek hai aap log aisi cheeze pucho bilkul jo hai main de dungi, link send kar dete hain aur un publicly kar deti hu, aapka jo article hai na uska shayad aap link mang rahi hain. I'm going to send you dear, I'm doing और ये मैं पब्लिकली सबके लिए कर देती हूँ सो दैट यू नो एवरीबॉडी हैज लिंक। सेंड करो ये रहा आपका लिंक, ये आपके लिए है और कुछ मैं थोड़ा सा इसको पब्लिकली भी पब्लिश कर देती हूँ कि किसी और को भी चाहिए अगर सो हाँ ये आप ले लीजिए, दे दिया कर दिया हमने। अच्छा यस मैम Can you hear you? Yes, ma'am. We can hear you. Okay, thank you. Mahajan is equal to Jamidar. Not quite right. देखिए जमीदार महाजन जो होता है वो पैसे बस देता है, जमीदार के पास जमीन भी होती है, तो एक आदमी में दोनों चीजें हो सकती है, महाजन जो है जमीदार भी हो सकते हैं जमीदार महाजन, लेकिन इक्वल तो नहीं कर सकते हैं, वो तो थोड़ा ज्यादा ही कुछ है। ये पूछा है हमसे साहिल श्रीवास्तव, नहीं साहिल ऐसा नहीं है। रोहित माहेश्वरी का है मैम नॉन ट्रांजेक्शन का कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, नॉन ट्रांजेक्शन का कोई। अच्छा ठीक है एक मिनट मैं आपका देख देती हूँ, नहीं ये अच्छे जो अच्छे क्वेश्चंस है आई विल टेक अप देम। अच्छा किसी ने पूछा था मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, देखिए फिर आपको एक बार मैं बता दूं, उनको बताएंगे क्योंकि जा रहे हैं वहीं पे। ये है कि लिक्विडिटी रिस्क रेफर टू द पॉसिबल दैट ए बैंक मे नॉट बी एबल टू मीट इट्स कैश, कि वो जो उसकी कैश की डिमांड होगी शायद वो डिफॉल्ट कर जाए मिल ना पाए, उसका जो रिस्क है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कहते हैं मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। अच्छा नॉन ट्रांजेक्शन का कोई एग्जाम्पल कोई पूछ रहा है ना, सो आई एम लुकिंग फॉर दैट, जस्ट गिव मी अ मिनट।
देखिए अभी तो फिलहाल इसमें भी मुझे दिख नहीं रहा है और आई एम नॉट गेटिंग एज ऑफ नाउ करेंट, तो और लोगों को वेट करना पड़ेगा. आई विल लेट यू नो इफ आई विल फील दैट आई हैव सम इंफॉर्मेशन ऑन दिस, आई विल गेट बैक टू यू रोहित. अच्छा वरुण गुप्ता का, मैम एक बार और बुक बता दो कौन सी बुक से पढ़ना है. कल तो बोला था, एक तो हमने जैप मुद, एक मिनट मैं देख लेती हूँ जो बुक हम आप लोगों को बोले हुए हैं. एक माधुरा है, फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन, 9th एडिशन या 10th कोई बोल रहा था, वो आप ले लीजिए, वो अच्छी बुक है, अच्छा उसमें दिया हुआ है. और एक और बुक है जो मैं आप लोगों को रेफर करूंगी, वो है मनी एंड बैंकिंग. ये तो कल हमने दिया था लोगों को, फिर भी मैं एक बार और आपको पोस्ट कर देती हूँ. ये है मनी एंड बैंकिंग बाय हुबर्ड, मनी एंड बैंकिंग बाय हुबर्ड. ये दो हैं, प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की. ये इनका अच्छा है, इनके टर्म्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, दे आर रियली गुड. सो अगर आप लोग चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं. ये मैं फिर से पोस्ट कर देती हूँ बुक बता. ये देखिए दूसरी वाली बुक, एक तो बोला ही था मेक अनाउंसमेंट, तो ये हमने सबको ही दे दिए, भेज दिया है. आई होप डिड यू गेट इट. हाँ अच्छा चलिए, ये हमने बुक आपको भेज दिया वरुण, आप ये देख लेना, ये अच्छी बुक है. अच्छा अब एक है देवानंद कामरेकर, मैम व्हाट इज द लिक्विडिटी, अभी तो बताया, आप क्यों बार बार एक ही चीज को पूछ रहे हो. थैंक यू मैम, यू आर वेलकम देवानंद, यू आर वेलकम. प्रिया अच्छा प्लीज सेंड मी द लिंक ऑल्सो. तो कौन सा लिंक आप रेफरेंस बुक की लिंक, आई थिंक लिस्ट पूछ रही हैं. सो चलिए भाई यहाँ इनके भी मैं आंसर कर. ये रहा ये, चलिए ये आपको रेफरेंस बुक हमने भेज दिया. प्रियंका खानदूरी ये आपको मिल गया. मैम आप एग्जाम के लिए क्या प्रेफरेंस मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल उनका, देखिए आया नहीं है, मैंने भी SOL में देखा था और आप लोगों के लिए मैं उसमें चेक भी किया, उसमें अभी ये इंफॉर्मेशन है नहीं. सो आई कांट से एनीथिंग. देखिए SOL तो वही बता पाएगा, मैं नहीं उसमें कुछ कर सकती, आई एम सॉरी डियर. विवेक का, मैम नाबार्ड बैंक का मेन वर्क. अब नाबार्ड बैंक जो है वो जितने भी रीजनल आपके बैंक है उन सब का रेगुलेशन अदर थिंग उसी के, दैट इज टेकन केयर बाय नाबार्ड. आप एक बार गूगल भी कर लोगे यू विल गेट इट. ओके कह रहा है साहिल श्रीवास्तव, 1 रुपीज के नाटो पर गवर्नर के साइन क्यों होते हैं. ये तो अब हमें भी याद नहीं आ रहा है साहिल, आप थोड़ा हमें एजुकेट कर दें यहाँ कि एक कोई रीजन है, वो मुझे याद है कि एक वो होते हैं. There is a one condition. ये हमें भी है, ये information जो आप पूछ रहे हो वो सही है. Thank you so much. You are welcome, Varun. Very much. तो जितने भी आप लोगों ने question पीछे वो तो मैंने सारे answer कर दिए. So I am waiting for another 5 minutes. कोई आता है अगर questions हैं we will answer. Otherwise I will say thank you, bye bye. See you tomorrow for last time. For this class particularly. किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लो. ओके तो आप लोग देखिए पूछिए, लेट मी नो कि क्या आपको, जिसको जो भी क्वेश्चन हो आई विल बी हैप्पी टू आंसर. ओ देर आर सम क्वेश्चन. ओके थैंक यू. What is the recurring? Sahil, why you are doing this? Don't ask this, you know, silly questions. These are not recurring deposit. तो मैं नहीं बताने वाली हूँ अभी आपको. कह रहा है, can we access the link by the? Yes, yes, it's very much. आप देख लीजिए, वो मैंने भेजा है. We cannot access. No, no, dear, I have downloaded that. You will be able to get that. वो मेरे से, क्योंकि यहाँ मेरा कुछ ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूशन में होता है कि आपको ये एक्सेस हो जाएगा. मैम इफ यू हैव सम क्वेश्चन पेपर प्लीज देम.
चलिए कुछ हम कुछ करते हैं क्वेश्चंस के लिए, कल का हमने रखा हुआ है, सो श्योर आई विल बी शेयरिंग समथिंग, रोहित करेंगे कुछ ना कुछ कल. नेहा थैंक यू सो मच मैम फॉर द टीचिंग. ओ यू आर वेलकम नेहा वेरी मच. आई एम हैप्पी कि आप लोगों को पसंद आया और अच्छा लगा. सो मुझे भी अच्छा लगता है. आई ऑल्सो फील द इक्वली गुड. ओके नेक्स्ट है मैम एग्जाम कब से. अरे 12 से एग्जाम होने वाला है, डेट शीट आ चुकी है विवेक, वो आप एक बार चेक कर लीजिए अगर नहीं चेक कर पाए हैं तो. ओके अच्छा और कोई क्वेश्चन किसी का हो. ठीक है आई थिंक वी आर गुड. जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन शूट किए आई एम एबल टू समहाउ मैनेज थिंग्स. ओके हु इज एल्स इज आस्किंग. अच्छा आपको ये मैं बता दूंगी आर ओ एन आर ओ ई, ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन है. दैट आई विल डू, दैट आई विल डू. मैं आपको उसके फॉर्मूला जो है वो, एक में हम एसेट्स की बात करते हैं डिवाइडेड बाई एसेट्स होता है. एक मिनट जस्ट आई विल गिव यू, आई विल गिव यू. नो दिस इज अ गुड क्वेश्चन यू आर आस्किंग. आर ओ एन आर ओ ई आर ओ ई That I will do. Just give me. देखिए ये जो होता है ना आर ओ ई होता है कि after tax profit divided by bank capital जहां हो. आर ओ ई होता है कि आर ओ ए आर नो आई थिंक सेम है सेम है सेम है. रेशियो ऑफ बैंक डिपोजिट नहीं रुक जाए रुक जाए. कह रहा है कि आई थिंक इससे पहले वाले में यहाँ आर ओ ए जो होता है आपका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाई बैंक एसेट्स होता है आर ओ में, और आर ओ ई में जो होता है वो आपका कैपिटल एसेट्स की हम बात कहाँ. चल एक मिनट मैं आपको आंसर कर देती हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है. सो साहिल आर ओ ए जो होता है ये आपका है, ये आर ओ ए है, और आर ओ ई जो होता है ये फिर मैं दोबारा से आपको बोल दूंगी क्योंकि अच्छा क्वेश्चन होता है. उसमें बैंक कैपिटल की हम बात करते हैं जहां पे वो आर ओ ई होता है. ये चलिए ये मैंने आपको कि फर्स्ट बैंक एसेट्स की बात करते हैं डिवाइडेड बैंक एसेट्स है आर ओ ए में डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल है. ठीक है साहिल आई होप यू हैव गॉट इट. अच्छा मैम कल आप यूनिट वाइज कुछ और रेफरेंसेस मटेरियल शेयर करेंगे. अब कहा ना कि एक ओवरऑल मेरा है कि मैं चाहूंगी कि एक घंटे में चीजें पढ़ा लूं और एक घंटा आप लोगों को ना मटेरियल का क्वेश्चन पेपर का वो करने का मेरा है. बिकॉज ऑफ आप सब लोग भाई यही चाहते हैं कि कोर्स कंप्लीट हो जाए और हम पास हो जाए, तो हम भी उसकी कोशिश करेंगी. ठीक है प्रियंका का है कि व्हाट इज द एग्जाम डेट ऑफ एसओएल. अरे 12 से शुरू हो रहा है कुछ 14-15 तक, यानी ऐसे ही 4-5 दिन चलेगा, तो वो आप देख लीजिए. प्रियंका डेट शीट आ गई है सो जस्ट गो थ्रू इट. ओके व्हाट इज द एग्जाम. अच्छा ये तो मैं बता दी हूं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. मोहित जी आई थिंक बच्चों के क्वेश्चन. अच्छा एक और किसी का मैम बैंक से रिलेटेड फ्रॉड को करता है. यस इट्स रिलेटेड टू रिस्क, इट्स नॉट फ्रॉड, इट्स रिलेटेड टू रिस्क. हाँ साहिल ये रिलेटेड टू रिस्क है. ठीक है सही बोल रहे हैं आप. अब किसका आ गया, कह रहा है कि वंशिका थैंक यू सो मच फॉर मैम इतने अच्छे से समझाने के लिए और हमारे डाउट्स क्लियर करें. ओ यू आर वेलकम डियर, यू आर मोस्ट वेलकम. I also like some of the students would, you know, give the feedback so that I will do much more better than whatever I'm doing. So improvement to har jagah hi hai na. So I would love to teach you guys. No problem. Oh, there are some of the questions. What?
मैम अभी रुक जाएं? नहीं देखिए, अगर क्वेश्चन है तो रुकिए, नहीं तो आप मैं तो बस लोग इसलिए यहाँ हूँ साहिल, ताकि कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसका आंसर कर सकूँ, यू नो। सो आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नया अगर कोई क्वेश्चन कुछ पूछता है तब उसमें मैं बोलूंगी, बट अपनी तरफ से कुछ मैं इनिशिएट नहीं करूंगी। सो आई एम गोइंग टू एंड अब अनदर यू नो 4-5 मिनट। अभी मैं कह रही थी आनंद, मोहित जी, मोहित 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 वो है ही नहीं, शायद कहीं होंगे। सो आई एम एंडिंग, क्योंकि अब किसी के क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे ना, सो आई विल नॉट वेस्ट द टाइम। बैंक में अगर फ्रॉड होता है तो कौन इंस्पेक्ट करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अगर डिफॉल्टर हो जाए तो देखिए उसके लिए आरबीआई ही सुप्रीम है, वो फिर कमिटीज वगैरह बनाती है, देन साहिल तब उसको फिर डील करती है, बट एग्जैक्ट उनका प्रोसेस शायद हमें भी देखना पड़े फिर आपको मैं बता पाऊंगी। बट आप जब भी देखिए डिफॉल्ट होता है, यस बैंक का हुआ तो उसमें आरबीआई आया, आपका सुप्रीम कोर्ट, सबने मिलके देन दे डिसाइड, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आती है तो उसके बड़े सारे कॉम्पोनेंट हैं, देन दे ट्राई टू यू नो रिजॉल्व इट। थैंक यू साहिल, टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट, इट्स अ गुड गुड साइन। So I am ending this class and I think our questions answer sessions are over. Be there tomorrow so that you know whatever I'm going to discuss, you people should benefit and you know clear this exams. Okay. Bye bye. Have a good day, good time, good night. See you tomorrow. Bye.